Assalamu alaikum. Good morning and welcome to this all important cricket match. Dudu Rangers Kashmir taking on Sky Star Budgam. It promises to be a big game. Two evenly poised teams, two big teams, star studded sides. Again, Allah Khan is here at the center of TRC. And again, Nazir in the count box. Nazir, today's match promises to be something special for our fans on JK Sports Time. अस्सलामु अलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। हम आपकी सेवा में उपस्थित और कुल मिलाकर आज के दिन का पहला मुकाबला और कश्मीर कप सीजन 2024 का नौवां मुकाबला। हालांकि डडू रेंजर्स और स्काई स्टार बडगाम के बीच एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा मुकाबला होगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। यहां टॉस जीतने के बाद संभवतः बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। डडू रेंजर्स के दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और वहीं पर अगर बात करें दोनों अंपायर अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। स्काई स्टार बडगाम की पूरी टीम मैदान में पहुंच चुकी है। तो इन परिस्थितियों में खूबसूरत वातावरण के अंतर्गत एक बेहतरीन मुकाबला अब कुछ क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। Well, the two openers in the middle and Sky Star in a hurdle at the moment. Bright sunshine out here, lush green outfield, and ground stop has done wonders over the past couple of days. Look at the outfield; it looks smooth now, it looks fine, and it looks slippery to touch at the moment. और देखिए खूबसूरत आउटफील्ड की अगर हम बात करें, लश ग्रीन आउटफील्ड है, लेकिन जिस प्रकार के विजुअल से अगर मैदान की बात करें बहुत ही खूबसूरत मैदान है। और ऐसे में नई गेंद के साथ शुरुआत वहां गेंदबाज किस प्रकार से करेंगे, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। क्योंकि एक तरफ अगर बात करें डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम जिसमें दिग्गज खिलाड़ी और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन प्लेइंग लेवल लेकर के उतरे हैं इस मुकाबले में, वही दूसरे और स्काई स्टार बडगाम की टीम के पास भी एक से बढ़कर एक, यानी कि आपके जो लोकप्रिय सितारे हैं, जो बेहतरीन और गजब के फॉर्म में खिलाड़ी है, वो इस मुकाबले में उतरे हैं डडू के साथ। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन बिरंत, आशा करते हैं बड़ा मुकाबला हो और कांटे की टक्कर का ये संघर्षपूर्ण मुकाबला हमारे दर्शकों और हमारे श्रोताओं को देखने को मिले। Well, expected to be big game of summer. The two umpires are in the middle, Maddy and Majidhura. And talking of Sky Stars, still in a hurdle, conversation is going on how to bowl against the likes of Dudu Rangers. But their openers are in the middle. And let us see how Dudu openers will react to the situation, how they will bat again as the likes of Sky Star. Asif Ramzan will keep wickets. Adil Khatri will feel on offside, it looks like at the moment he goes towards the offside, but Asif Ramzan will keep wickets today. Dekhiye Asif Ramzan jo ke wicket keeper hai, jahan tak Sky Star Budgam ki team ka sawal hai, Shabir Lefty, Nasir Kumar, Yasir Kulgami aur uske alawa Bombay Express ke sath sath Saqib Pandya, to ek se badhkar ek behtareen ballebazi Adil Khatri bhi wahan hai lineup mein nazar aayenge jahan tak Sky Star Budgam ki team ka sawal hai. Aur dusri aur agar Dudu Rangers ki baat तो आपके पास काफी महत्वपूर्ण और आकर्षक बल्लेबाजी लाइनअप है। जहां आपकी बल्लेबाजी की बात करें तो एक बेहतरीन शुरुआत देने की आवश्यकता रहेगी, प्रारंभ में बेहतरीन बढ़िया और आकर्षक विस्फोटक वो जो शुरुआत एक भागीदारी होगी उसको निभाने का प्रयास होगा यहां दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को। फिलहाल सामने वाले छोर से प्रारंभ होने जा रहा है इस आज के दिन का पहला मुकाबला। दो मुकाबले आज के दिन खेले जाने हैं और ऐसे में यह पहला मुकाबला वर्तमान स्थिति में कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। गेंदबाजी के दायित्व पर देखना होगा किसे आज गेंदबाजी का अवसर मिलेगा स्काई स्टार बडगाम की ओर से। और प्रारंभ करने दो बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, बड़ा बेहतरीन और आकर्षक मुकाबला। हालांकि मोहम्मद उमर और उनके साथ बासित अकबर को प्रारंभ के तौर पर भेजा गया है। मोहम्मद उमर जो कि स्ट्राइक लेने की तैयारी में है, अगर बासित अकबर की बात करें क्या बेहतरीन और लाजवाब पारी पिछले एक दो मुकाबलों से उन्होंने खेली है जहां तक डडू रेंजर्स की टीम का सवाल है। और निश्चित तौर पर गजब के फॉर्म में एक बेहतरीन युवा बल्लेबाज। लेकिन दूसरी ओर मोहम्मद उमर की बात करें, वो भी एक दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है। तो यहाँ इस जोड़ी को उतारा गया है डडू रेंजर्स कश्मीर द्वारा और इन परिस्थितियों में देखना होगा वो किस प्रकार का शुरुआत, किस प्रकार की साझेदारी और किस प्रकार की पारी खेल करके अपनी टीम को एक बेहतर शुरुआत देंगे। पारी का पहला ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। दूर वाले छोर से माजिदहुरा और शौकत मैडी जो कि आज के इस मुकाबले के ऑफिशियल हैं, अंपायर हैं और थोड़ा सा समय वहां जरूर ले रहे हैं दोनों अंपायर, मैच रेफरी। और ऐसे में कुछ ही क्षणों में यह प्रारंभ होने जा रहा है मुकाबला। बड़ा दिलचस्प यह मुकाबला होगा जहां एक तरफ स्काई स्टार बडगाम की टीम, दूसरी तरफ डडू रेंजर्स की टीम। मोहम्मद उमर और बासित अकबर ये प्रारंभिक जोड़ी जहां तक डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में और ऐसे में अभ्यास शब्दवा क्षेत्र रक्षण सजा लिया गया है। और इन परिस्थिति में पारी का पहला ओवर तेज गेंदबाज से नई गेंद का प्रारंभ करने जा रहे हैं और देखना होगा नई गेंद का किस प्रकार से इस विकेट से लाभ लेते हैं गेंदबाज। मोहम्मद उमर एंड बासित अकबर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन टुडे। उमर यूजेस टू वॉक इन एट इन मिडिल ऑर्डर, बट टुडे ही इज प्रमोटेड अप द अदर।
walks in at the top of the order, and he's got Basit Akbar, and he's another new finding of the tournament and JK Sports time. Well, who's going to open? It's going to Umar shot to ball in over number one. On strike will be Mohammad Umar. With a slip in place, there is Nasir Kumar. Third man, there is Shabir Lapti. There is a backward a point, straightish point, Sajjad Sultan. Extra cover, Adil Katru. Oh, he's at mid-off to be precise. There is mid-on in place, Faizan Roof. Here is Umar shot for the first time. Down the leg side, starts away the wide. Good stop and good keeping by Asif Ramzan there. It was Weber way down the leg side, far too down the leg side. Called as a wide. Didu's underway with that extra run. Extra ball is coming up. Shurvat atrik run se wide ke tor par ye pehla run milta hua Dadu Rangers Kashmir ki team ko ek run bagair nuksan ke. Mohammad Umar jo ke isme strike lene ki taiyari kar rahe hain aur Umar Shah ne aaj gendbazi prarambh ki. Tez gendbaz jahan tak Sky Star Bargam ki team ka sawal hai. Dusri gend lekar ke taiyar halaki is over mein is bar achhi gend thi. Gend ki pitch tak pahunche. Gend ki theek line mein aakar ke bat aur pad milakar ke middle of the bat se wahi offside mein gend ko khela bagair kisi run ki. Achhi shuruaat lekin shuruaat mein ek और एक सटीक लाइन और रन के साथ गेंदबाजी करनी होगी स्काई स्टार बड़गाम के गेंदबाजों को. टाइट लाइन यू रिक्वायर एट द मोमेंट. टाइट लाइन, टाइट लेंथ, टाइट लाइंस यू रिक्वायर इन द बिगिनिंग. इट्स जस्ट सेवन नंबर वन वी सब बॉल नंबर टू एंड इट वाज अ परफेक्ट डिलीवरी राइट ऑन मनी बट टुमा वाज राइट बिहाइंड दैट वन इक्वली टू द टास्क एंड कीप्स इट अवे. सो नो रन देयर वन विदाउट लॉस इन एवर नंबर वन. स्लिप थर्ड मैन बैकवर्ड अ पॉइंट स्ट्रेटिश पॉइंट. Oh, looks to cut, misses the line-up ball. Extra bounce on that occasion. Goes past an edge and he survives. अतिरिक्त उछाल गेंद में जरूर था. उमर शेह एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और वो जो ऑफसाइड का इलाका है, जो ऑफसाइड का क्षेत्र है, उसके अनुकूल आपको गेंदबाजी करनी होगी. यहां उमर को सावधानी बरतनी होगी. प्रारंभ में एक बेहतरीन शुरुआत की आवश्यकता. वहीं पे गेंदबाज चाहेंगे कि पावर प्ले के अंदर कम से कम एक दो विकेट यहाँ प्राप्त कर लिया जाए, एक दबाव बनाया जाए प्रारंभिक चोरी पे. जहां तक डरो रेंजर्स की टीम का सवाल है, उमर शेह अगली गेंद लेकर के एक बगैर नुकसान के ये गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर. इस बार स्ट्रोक खेला, हालांकि पीछे खिलाड़ी लेकिन उनकी पहुंच से बाहर. गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई चार रनों के लिए. पहला जस्ट मौका रहा चौका मोहम्मद उमर के बल्ले से निकलता हुआ. Slashes out, couple of bounces into the backward, a point fence for four. Shabir Lapti gives the chase, unable to stop the ball. And that's for first four of the bat, first runs of the bat for Umar and his team. It's five with a loss in over number one. पांच रन बगैर नुकसान के ये पहला ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ. मोहम्मद उमर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और उमर शेख गेंदबाजी कर रहे हैं. उन्होंने गेंदबाजी प्रारंभ की है जहां तक स्काई स्टार बड़गाम की टीम का सवाल है. ये पहला ओवर और शुरुआती ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि एक बेहतरीन शुरुआत की आवश्यकता वहां गेंदबाजों की. अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि खेलने का प्रयास किया था. गेंद उनके वहां ग्लव से टकराई, ऑफ साइड में चली गई. वहां खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड हुई, रन नहीं मिला. पहला ओवर प्रगति पर डडू रेंजर्स पहले बल्लेबाजी करते हैं इस नौवें मुकाबले में जहां तक कश्मीर कप सीजन दो का सवाल है. जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक टीआरसी डल गेट से पहुंच रहा है. प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर, एमएचएम फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, डल गेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी ए कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटपुरा श्रीनगर. Five for none. Here is Umash again. Oh, another one. It's again extra bounce and offer. Goes past an edge. And he survives. K gets away with that one. Another quality delivery. He's bowling in right areas here. He's keeping things tight. And the extra bounce on offer is making him something special on offer here. अरे देखिए, शुरुआत में अच्छी खासी उछाल मिल रही है यहाँ पर गेंदबाज उमर शेख को और अतिरिक्त उछाल के चलते यहाँ बल्लेबाज मोहम्मद उमर को जरूर उन्होंने चकमा दिया हर ऐसे में. मोहम्मद उमर जो कि कानपुर बल्लेबाज है, शुरुआत में बेहतर तरीके से वो बल्लेबाजी, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे विकेट को परखने के लिए क्योंकि बड़ा मौका अपना है और यहाँ अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है. उमर शेख गेंदबाजी कर रहे हैं पांच बगैर नुकसान के. पहला ओवर पारी का चलता हुआ स्काई स्टार बड़गाम की टीम को यहाँ गेंदबाजी का अवसर मिला है डडू रेंजर्स कश्मीर के. बाद फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन और उमर शेख अब अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार अगली गेंद फेंकने के लिए. और मोहम्मद उमर, बासित अकबर की बात करें, वो नॉन स्ट्राइक की चोट पे अभी तक उन्हें अवसर नहीं मिला है यहाँ बल्लेबाजी करने का, स्ट्राइक लेने का. तो ऐसे में मोहम्मद उमर लगातार जब से उन्होंने पारी प्रारंभ की है बासित के साथ तो वो इस समय बने हुए हैं. एक चौका जरूर उन्होंने लगाया और एक अतिरिक्त के रूप में समय रन संख्या पांच डडू रेंजर्स कश्मीर के. उमर शेख अगली गेंद देकर के तैयार दूर वाले छोर से, यानी कि जे एंड के बैंक हेडक्वार्टर एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं. टीआरसी डल गेट से लाइव प्रसारण आप तक जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण पहुंच रहा है.
अगली गेंद उमर शाह की मोहम्मद उमर के लिए, इस बार का मौका इस्तेमाल किया डाउन द ट्रैक खेल करके खेलने का प्रयास, हालांकि गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई, अंदरूनी किनारे पर लगी और वही गेंदबाज की ओर चली गई, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, ओवर समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से आज के दिन के इस पहले मुकाबले के पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन नेडू रेंजर्स कश्मीर बगैर नुकसान के 2 मुकाबले आज के दिन के, और ऐसे में वर्तमान स्थिति में पहला मुकाबला चलता हुआ नेडू रेंजर्स की टीम बल्लेबाजी करती हुई स्काई स्टार बडगाम के विरुद्ध दूसरे ओवर की गेंदबाजी होने जा रही है, और देखना होगा इन परिस्थिति में दूर वाले छोर से क्या बॉम्बे एक्सप्रेस से गेंदबाजी होगी अथवा या सर कुलगामी का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है बॉम्बे एक्सप्रेस से गेंदबाजी करवाएंगे, एक और तेज गेंदबाज और शुरुआती ओवर जो है तेज गेंदबाजों से यहां गेंदबाजी करवाना चाह रहे कप्तान, और देखना होगा और क्या फैजान से गेंदबाजी करवाएंगे देखना होगा। नए ओवर की शुरुआत, पारी का दूसरा ओवर और ऐसे में सामने रहेंगे 5 बगैर नुकसान के नेडू रेंजर्स कश्मीर। Well, one done. It's 5 without loss. Faizan Roof is going to bowl. The man pillar of United Imports when it comes to the pace battery. He's a terrific pace and he can variate the ball. Nazir, he's got a good skill set and he can use that skill set over here today. He can variate the ball. He can roll fingers over the ball. Back out the end slabber is very effective when it comes to Faizan Roof. This is over number 2. 5 without loss. Steady start. As far as Dadu's are concerned, Basit on strike. Thinner body, down the leg side. Starts with a wide delivery. Goes past wicketkeeper. And Nasir Kumar does well to stop the ball. And they're coming back for the second. Could be tight. But good running between the wickets. Indian both the batters. Kemper through 3 wide is to be precise. And we saw first over first ball wide. सेकेंड ओवर फर्स्ट बॉल वाइड। देखिए दिशा और लंबाई पे यहाँ नियंत्रण करना होगा गेंदबाजों को। शुरुआत से जब आप इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं तो वो जो आत्मविश्वास गेंदबाज के पास होता है वो कहीं ना कहीं वहां डगमगाता है, तो ऐसे में आपको एक नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ कुल रन संख्या 8, दूसरा ओवर पारे का चलता हुआ। अगली गेंद फैजान के लेकर के तैयार बासित के लिए, इस बार गेंद हालांकि पैर पे टकराई, जोरदार अपील लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, स्वीकार नहीं किया शौकत मेडी ने। रन गति में कोई उछाल नहीं, रन संख्या 8 दूसरे ओवर में नेडू रेंजर्स कश्मीर बगैर नुकसान के। Straight away, wraps him on the pad. Angle takes it down the leg side. Shot for LBW, turned down by umpire. And score man's 8 without loss. Nazirov is talking about this lad can swing the ball, he can roll fingers over the ball, and he can use that slow bouncer to perfection in between. निश्चित तौर पर उस पर कोई दरार नहीं है कि उनके पास क्षमता है, दोनों ओर से गेंद को वो स्विंग करा सकते हैं। और ऐसे में अगली गेंद फैजान के, इस बार का मौका इस्तेमाल किया, गेंद की पेच तक पहुंचे और उसको खेल दिया स्क्वायर लेग की ओर, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां, लेकिन इस बार बासित अकबर के बल्ले से निकलने वाला ये जस्ट बोखारा चौका। और दूसरे ओवर में रन संख्या इस समय बढ़ती हुई 12 तक जा पहुंची, दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ स्काई स्टार बडगाम की ओर से। स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंट स्ट्रेट अवे, बट दिस टाइम ही वर्क्स इट अवे नाइसली डन, नीटली done, earn him a boundary. Classy one from Basit Akbar there. Young, thinner bodied, not that much tall, lanky, but he's going good at the moment. That was a quality shot with the tide, he whipped away and earn him a boundary into the double figures, 12 without loss. Oh, absolute beauty, gorgeous delivery. Scared him up and Nazirov is just talking about that, an extra bounce on off again. देखिए अतिरिक्त उछाल उनके पास है, गति उनके पास है, उछाल अच्छा खासा मिल रहा है आज विकेट से, और आज विकेट का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अलग तरीके का दिख रहा है क्योंकि अतिरिक्त उछाल यहां गेंदबाजों को मिलती हुई। Well, exactly, ball is getting some amount of bounce there and sometimes it is cranking up, sometimes it goes underneath the bat, but this time again cranking up and we saw extra bounce today. Ball is coming at a good bounce at a good height. Next one coming up from Faizan Roof. It's 12 without loss as we are in over number 2. Halfway mark in the second over. As we watch Faizan again, comes running in onto the pad line this time. Works it away just below the rib cage area. Down to about a short fine and he's off strike. One more run at it. 13 without loss in over number 2. 13 रन दूसरा ओवर फैजान रूफ गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि आज गेंदबाजी का दायित्व प्रारंभ में जब गेंदबाजी हुई तो निश्चित तौर पर पहला ओवर अच्छा रहा, हालांकि एक सचिक लाइन और लेंथ के साथ वहां गेंदबाजी का प्रारंभ किया गेंदबाज ने। फिलहाल दूसरा ओवर पारे का नेडू रेंजर्स के लिए, 13 रन संख्या दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के, एक स्लिप के सारे। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद के पिच तक पहुंचे, खेला जरूर उसको लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात थे ऑफ स्टंप में, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। अच्छी रणनीति और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ फैजान रूफ गेंद करते 13 रन संख्या दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के, और अब तक अच्छी शुरुआत, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता यहां नेडू रेंजर्स कश्मीर के प्रारंभिक बल्लेबाजों को। या ऑफ कोर्स एंड स्टडी स्टार्ट 13 विदाउट लॉस इन ओवर नंबर 2। उमर ऑन स्ट्राइक, ही इज ऑन 4 ऑफ 7 बॉल्स। फैजान गॉट अ स्लिप इन
Oh, this time look at that one, in swinging one, but somehow up the queue and goes down to a short pine. He keeps it away, keeps it out, but never convincing, not in control. Nonetheless, he survives. And look at Faizan Roof, hand is on his head. He knows that, he knew that, he was nowhere near, but he gets away with that one in the end. It was a perfect one, right on money. दो ओवर पूरे हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और दो ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बने, विकेट नहीं खोया, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं और निश्चित तौर पे अच्छी शुरुआत, हालांकि थोड़ी सी धीमी जरूर कही जा सकती है, लेकिन शुरुआत में विकेट को सुरक्षित रखना मैं समझता हूँ सबसे बड़े उद्देश्य है जहां तक डेढ़ रेंजर्स की टीम का सवाल। Yeah, you need to keep wickets intact and up front. You need a good start, you need a steady start. Because it's a 20 over game and you can change the course and complexion of the game with the passage of time. And it's time to get your eyes in. Just the beginning, and we're done with the second over here. Just two done, and it is 14 without loss, 7 and over. Not bad, still good, steady start, without loss, without any harm. They're 14. उमर शाह और उसके साथ फैजान रूफ, ये प्रारंभिक गेंदबाज जहां तक स्काई स्टार बड़गाम की टीम का सवाल है। पारी का तीसरा ओवर लेकर के तैयार उमर, चले पहली गेंद और इस बार हालांकि पैड पे टकराने के बाद ऑफ साइड में गेंद चली गई, वहां खिलाड़ी तैनात थे 30 गज घेरे के अंदर, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, थ्रो किया लेकिन रन बनने की संभावना को समाप्त किया। उमर थोड़ा सा यहाँ जरूर दुविधा की स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण होगा, एक अच्छी शुरुआत के लिए उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण। डेढ़ रेंजर्स की टीम चाहेगी कि वो विकेट पे बने रहे, एक बेहतर पारी खेले और बेहतर तरीके से इस पारी को यहां से चलाए। 2.114 बगैर नुकसान के, यह है अब तक का लेखा जोखा इस पहले मुकाबले का, कश्मीर कप सीजन 2 मैच नंबर 9 और पहली पारी चलती थी। अगली गेंद दो बार की और इस बार उमर शाह की गेंद उमर के लिए, हालांकि खेलने का प्रयास वहां पर वही पास पे लुड़की और एक रन तेजी के साथ पूरा कर लिया, लेग बाई का इशारा माजिद हुरा का, एक रन और खाते में स्काई स्टार बड़गाम के विरुद्ध डडू रेंजर्स कश्मीर 15 तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के। Well, it's 15 without loss. We are in over number 3. Jiggy Sports Time in collaboration with Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pump or MHM Multi Brand by Refimani, Green Lines Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. H&A Complete Kits Wear Pro Player Caps. And coming back to the business, it is 15 without loss. We are in over number 3. Here is Umar Shah again on strike, Basit Akbar. Tailing away, test match line, terrific line, and beats the outside edge there. Another quality ball from Umar Shah in keeping things tight. Balling in that area, scared him up, and ball moving outward, gently outward. Literally, we see this kind of a line with a red ball in hand, and then ball tails away, teasing the batter. Well, then it's 15 without loss. आक्रमण सही दिशा और लंबाई के साथ इस समय गेंदबाजी होती हुई उमर शाह द्वारा, अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट बासित के लिए और इस बार बासित ने खेला हवा में, उड़ता स्ट्रोक उस खिलाड़ी और कैच वहां हाथ से छोटा, हालांकि एक अवसर जरूर बना था, पीछे अब जा रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोका जरूर लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाए, दो रन और खाते में जुड़े और दो रनों के साथ 16 रन संख्या, हालांकि काफी देर हवा में गेंद रही और उस ओर वहां संतुलित बनाने का प्रयास जरूर किया था क्षेत्ररक्षक ने, लेकिन गेंद हाथ को छूने के बाद वहां सीमा रेखा की ओर चले गई, फील्ड हुई, दो रन और खाते में। और कुल मिलाकर कहना चाहिए एक जीवन दान वहां बासित अकबर को, एक बेहतरीन युवा क्रिकेटर हैं और कश्मीर कप की अगर बात करें इस प्रतियोगिता में, इस कश्मीर कप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। शुड हैव बीन टेकन एंड इट वाज पुट डाउन, इजी चांस, इजी पीजी टू मी, अनदर गुड डिलीवरी एंड उमा इज हिटिंग द डेकोर, इज क्रिएटिंग दैट एक्स्ट्रा बाउंस इफेक्ट हियर एंड लुक एट दैट वन अगेन, इट क्रैंक्स अप एंड गोस पास्ट एन एज। देखिए पिछले कुछ दिनों से हालांकि एक दो दिन का ब्रेक जो बीच में था इस प्रतियोगिता का, और ऐसे में विकेट को फिर तरीके से नए तरीके से तैयार किया गया, वाटरिंग की गई विकेट को, और ऐसे में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है, हालांकि पूरी तरह से वहाँ अतिरिक्त उछाल, अच्छी खासी उछाल कहना चाहिए समय तेज गेंदबाजों को मिलती है। पिछले कुछ मुकाबलों की अगर हम बात करें उनके बजाय यहाँ आज के मुकाबले में कुछ अलग तरीके की गेंदबाजी समय देखने को मिल रही है। अगली गेंद और इस बार स्ट्रोक बढ़िया, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए, जस्ट बोकारा चौका, सर्चिंग फॉर यॉर्कर and punished in style, takes it on the full low full toss and dispatched through extra cover for 4. There is just Bukhara 4
and it's 21 without loss after the completion of over number 3 7 run prati over ke hisab se manavar samay run bane hain aur main samajhta hu achhi run deti hai kyunki shuruaat mein aap wicket surakshit rakh rahe hain aur jitne aap power play ke andar halanki power play ke andar aapke paas ek samay hai aapke paas ek avsar hai aapke paas license hai ki wo jo field restriction rehti hai uska behtar tarike se laabh le aur ab ja kar ke kuch bade stroke dekhne ko mil rahe hain wahan basit akbar aur umar dwara 21 run bane 7 run prati over ke hisab se achhi shuruaat kul milakar karna chahiye daru rangers ke liye you got to free your arms because you're batting first you're put into bat and you need a good start you were going steady now you need to accelerate in between it's over number 4 on strike Mohammad Umar new pair today but Dodo Rangers down the leg side far too down the leg side big wide visible to naked eye way down the leg side starts with a wide again Fresho begins with a wide first over he started that was his second over that was the second over of the match it was his first When he started with the wide. और देखिए पिछले कुछ समय से लगातार वो अपनी दिशा और लंबाई पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं लेग स्टंप से बाहर ज्यादा गेंदबाजी हो रही है जिसके चलते कुछ अतिरिक्त रन जरूर मिले चौथा ओवर पारी का 22 समय डोडू रेंजर्स कश्मीर का बगैर नुकसान के उमर के लिए ये गेंद और बरकत मौका इस्तेमाल किया था उछाल बहुत बढ़िया थी गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास वो असफल रहा संपर्क हुआ नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर आसिफ रमजान के पास बगैर किसी रन के 22 चौथे ओवर में बगैर नुकसान के डोडू रेंजर्स आज आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कश्मीर कप सीजन 2024 आज के दिन का पहला और कुल मिलाकर कश्मीर कप का ये कुल मिलाकर नौवां मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ This is over number 4 Faizan Roof in his second over 1.1 none for 10 in search of a breakthrough both the bowlers here is a roof again down the leg side fine tackle gone fine Yasir in pursuit gets to the ball does well but can't prevent that brace that couple and that couple takes Dudus to 20 4 with a loss in over number 4 but that's a good shot fine tickle and plays it fine but fielder does well and outfield playing its part too देखिए अच्छी दौड़ वहां पे लगाई जी हाँ बिल्कुल और आउटफील्ड का भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान जरूर रहा रन जरूर पूरे कर लिए दो मोहम्मद ओवर ने दो रनों के साथ रन संख्या 26 चौथे ओवर में फैजान रूफ गेंदबाजी कर रहे दूसरे ओवर उनके कोटे का चौथा पारी का इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल ऑफ स्टंप से बाहर गति परिवर्तन किया और यहाँ हालांकि ललचाने का प्रयास बल्लेबाज को और गेंद का पीछा जरूर किया था गेंद के साथ छेड़खानी जरूर करने का प्रयास ओवर का लेकिन असफल हुआ गेंद विकेट कीपर आसिफ रमजान के सामने में जा थमाई बगैर किसी रन के चौथे ओवर में 26 बगैर नुकसान के स्लोवर डिलीवरी on that occasion and Slovat nearly trapped him but Umar survives on to field 5 of 13 balls oh he has used too many balls the dot percentage is very high here is Faizan look at that one again a full toss but a slower in air and he takes it on the full but find us that fielder on onside in front of Sker on onside it is Zaid Nabi there sends in a return but can't prevent that single one more run 25 with that loss 25 रन चौथे ओवर में फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं हालांकि कुछ वेरिएशन जरूर अपनी गेंदों में विविधताएं कर रहे हैं मिश्रण कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिला विकेट की तलाश में है इस समय स्काई स्टार बडगाम की टीम बासित अकबर है सामने चौथे ओवर में 25 डोडू रेंजर्स कश्मीर की टीम स्काई स्टार बडगाम के बाद अगली गेंद बासित के लिए और ये गेंद इस बार स्ट्रोक खेला हवा में स्ट्रोक लेकिन सेफ गेंद एक दो टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए चार रनों के लिए एक और जस्ट मोखारा चौका बासित के बल्ले से निकलने वाला दूसरा चौका और रन 29 चौथे ओवर में बगैर नुकसान के गुड यूज ऑफ द पावर प्ले ओवर पिच्ड वन डज वेल बीट्स एक्स्ट्रा कवर टू परफेक्शन इट वाज हिट हार्ड एंड इन द गैप टू एंड अर्निंग अ बाउंड्री जस्ट बुकर ऑफ 4 29 विद अ क्लॉस इन ओवर नंबर 4 लास्ट टाइम स्लिप इन प्ले स्टिल थर्ड मैन इज स्टिल देयर एंड देयर इज एक्स्ट्रा कवर इन प्लेस कैचिंग एक्स्ट्रा कवर ऑफ दैट वाज आस्किंग टू बी हिट बट अनएबल टू पुट इट अवे इट्स अ डॉट बॉल टू एंड द ओवर नंबर 4 चार ओवर पूरे हो चुके हैं 29 चार के बाद बगैर नुकसान के अच्छी शुरुआत पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल अब तक इस प्रारंभिक जोड़ी ने किया है जहां तक डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है और देखना होगा एक विकेट की तलाश में जरूर यहां स्काई स्टार पर काम के गेंदबाज और अभी तक हालांकि एक अवसर जरूर वहां था वो विकेट लेने का लेकिन वहां वो जीवनदान मिला वो अवसर वहां पर मिला नहीं स्काई स्टार पर काम के गेंदबाजों को क्षेत्र को और ऐसे में अब संभवते यहाँ नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है पहला परिवर्तन तीसरे गेंदबाज या यासर कुलगामी का इस्तेमाल किया जाएगा और इन परिस्थिति में वो एक और तेज गेंदबाज जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है 29 चार के बाद बगैर नुकसान के पांचवें ओवर की शुरुआत यासर कुलगामी को लेकर के आए एंड कैप्टन गोज बैक टू यासर कुलगामी पेस एक्सप्रेस पेस बैटरी फ्रॉम कुलगाम द कुलगाम एक्सप्रेस एंड कैप्टन गुड बिलीव इन दिस गाय ही बिलीव्स दैट दिस लैड इज गोना ब्रेक द स्टैंड इज गोना प्रोवाइड हिम
with a much needed breakthrough up front. 29 रन, ये कुल मिलाकर पांचवां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। यासर कुलगामी गेंदबाजी करेंगे। 29, चार ओवर के बाद 29 रन बने हैं। विकेट खोया है मोहम्मद उमर और बासित अकबर की जोड़ी बीच मैदान में, और यासर कुलगामी का पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा पांचवें ओवर में। यह पहला परिवर्तन, क्या परिवर्तन रंग लाएगा, क्या यहां यह परिवर्तन सफल हो सकता है स्काई स्टार बड़गाम के लिए, यह देखना होगा। हालांकि छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल, दो ओवर की गेंदबाजी उमर शाह, दो ओवर की गेंदबाजी वहां फैजान रोफ ने, और अब जाकर के तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल। और देखना होगा क्या इस ओवर के बाद स्पिन गेंदबाजी आक्रमण में लाई जाएगी, क्या स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण यहां देखना होगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों को मदद जरूर मिली लेकिन अभी तक विकेट नहीं मिला, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यहां विकेट लेना स्काई स्टार बड़गाम के लिए। Well, talking of scorecard, it is 29 after 4 overs. I think both openers will be happy. Even Dudu Ranges will be happy with a quite with a steady start without any harm. They're 29. Kashmir Cup game number 9 underway between Sky Star and Dudu Ranges. Second match of the day. It's going to be Nag here in the town. And they will be locking arms with the police warriors. It's 29 with a loss after 4 overs. Over number 5, Yasir Kulgami for the first time. Packed offside, look at Nazir offside field. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off. देखिए ऑफसाइड में 6, ऑनसाइड में 3, 6 और 3 की फील्ड के साथ यासर कुलगामी अब गेंदबाजी करेंगे, और सामने मोहम्मद उमर होंगे। हालांकि उन्होंने लगभग 14-15 गेंदों का सामना अभी तक किया है, 5-6 रनों का योगदान दिया है, लेकिन यहां से अब रन गति को उछाल देनी होगी, क्योंकि ये पांचवा ओवर पावर प्ले का, जो पहला पावर प्ले ओवर 6 ओवर का रहता है, वो इस समय अब समाप्ति की ओर, क्योंकि पांचवें ओवर की शुरुआत यासर कुलगामी नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और डडू रेंजर्स 29 बगैर नुकसान के एक बार फिर अपने कदम चूके, वापस लौटना पड़ेगा गेंदबाजी मार्ग पर। यासर कुलगामी के पास क्षमता है, वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, और अच्छी खासी क्षमता के साथ वो गेंद को दोनों ओर मूव करा सकते हैं, दोनों ओर स्विंग करा सकते हैं, लेकिन क्या वहां वो लाभ ले पाएंगे, क्या यहां से एक सफलता जिसकी की आवश्यकता है स्काई स्टार बड़गाम को वो दिला सकते हैं अथवा नहीं, ये देखना होगा। और जेएनके बैंक एंड से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, मोहम्मद उमर सामने 29 बगैर नुकसान के, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ये गेंद हालांकि अपनी जगह खड़े खड़े स्टोक खेलने का प्रयास, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, गेंद टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा कोण बनाया विकेट कीपर आसिफ रमजान के पास बगैर किसी रन के। Wanted to go over mid on, missed out on that occasion. It's a dot ball, it's a big miss. And beaten on that occasion, he survives 29 with a loss. Over number 5, JK Sports Time bringing you the ball by ball commentary of match number 9 here at TRC Sports Field. Umar on strike, 6 of 15, and Yasir Kulgami is bowling from that far end. On strike Umar again, ball number 2 down the leg side, look at that one, shot for caught behind, and he's screaming should have been taken, and yeah, I think there was tickle on that one, a catch gone down, he survives, care, lifeline for Umar. एक रन और खाते में, उस एक रन के साथ रन संख्या 30, पांचवें ओवर में कुलगामी गेंदबाजी कर रहे हैं। बासित अकबर सामने होंगे, 21 नंबर की जर्सी पहने हुए युवा क्रिकेटर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रतिभाशाली इस प्रतियोगिता में अब तक अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है, कुछ बेहतरीन पारियां उन्होंने जरूर खेली है डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। फिलहाल सामने वाले छोर से लेकर के तैयार यासर कुलगामी, बासित अकबर सामने 30, पांचवें ओवर में पहली पारी चलती हुई कश्मीर कप सीजन 2, और ऐसे में 2024 के बाद अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप पर, अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर आसिफ रमजान के खाते में। हालांकि वहां मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास बासित अकबर का पूरी तरह से असफल रहा, और बाकी का काम पूरा किया, और लगातार कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, रन गति को उछाल देने का प्रयास, लेकिन अभी तक उसमें सक्षम नहीं हुए हैं दोनों बल्लेबाज डडू रेंजर्स कश्मीर। बोथ आर ट्राइंग टू गो हार्ड एट द बॉलिंग बट अनएबल टू फाइंड द मिडल ऑफ द बैट, दे आर अनएबल टू कनेक्ट ईच एंड एवरी शॉट हियर, दे आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट लिटिल बिट, but they need to break free and rotate strike each and every ball. 30 without loss. Here is Kulgami again. Away from that mark. A call is wide again. But Kulgami is in search of a breakthrough. He's trying to experiment it. First one down the leg side. The next one way away from that batter's arc. And it was wide of the off. देखिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहे हैं इस ओवर में, लेकिन यहाँ वाइड बॉल जरूर करार दी गई, और देखना होगा क्योंकि एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता, जैसा कि आपने जिक्र किया, एक विकेट की तलाश, इस साझेदार को तोड़ने की तलाश है वहाँ स्काई स्टार बड़गाम के गेंदबाजों द्वारा। अगली गेंद लेकर के कुलगामी सामने हैं, वहाँ बासित अकबर के लिए ये गेंद, और इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से वहाँ पर बीट किया, और गेंद सीधे विकेट कीपर आसिफ रमजान के दस्तर में। एक बार फिर रन नहीं मिला यहाँ पांचवें ओवर में, कुलगामी गेंदबाजी कर रहे हैं।
heavy on him. 31 without loss. Over number 5 is beaten again. Basit Akbar. He's in tall, lanky, but still he's got a good height and unable to put it away. There isn't anyone behind extra cover at mid-off. Mid-off is up and extra cover is up. So you just need to beat the man and you're going to hit the fence easily. But let us see, it's 31 on the board at the moment. Over number 5. Here is Kulgami once more. Fifth time in the server. Slip comes out. Oh, slashes out. One bounce and into the back quarter point boundary for 4. Good shot. There is just Bukhara 4, but you got to admire. Slap at that one, riding on the bounce. And put away in style. खूबसूरत स्ट्रोक था ये और वहाँ बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी जो 30 गज घेरे के अंदर है वहाँ गेंद को सीमा रेखा से बाहर निकाला चौका मिला जस्ट बोकारा हालांकि इससे बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे वहाँ बासित अकबर अंततः वो चौका मिला और 4 रनों के साथ रन संख्या से बोलते 35 पे जा पहुंची 5वें ओवर में 35 बगैर नुकसान के बासित अकबर और मोहम्मद उमर इन्होंने आज प्रारंभ किया जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है लोडू रेंजर्स कश्मीर का तीसरे गेंदबाज और अभी तक का कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए बल्लेबाजों पर जहां तक यासर कुलगामी का सवाल है शबीर लेफ्टी जो कि थर्ड बैंड क्षेत्र पे उन्हें 30 गज घेरे के अंदर बुला लिया गया है ये देखते हुए कि नासिर कुमार जो कि घेरे के अंदर थे और उन्हें अब बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर तैनात कर दिया गया है और अच्छी रणनीति वहाँ एक रनों को यहाँ रोकने का प्रयास एक दबाव बनाने का प्रयास अब तक वहाँ गेंदबाजों का जहाँ तक स्काई स्टार बरगाम की टीम का सवाल है 35वें ओवर में बगैर नुकसान के Last ball, over number 5. Mandatory restrictions are on. Power play is on. It's just over number 5. Now they're 35. Little adjustment. And he's going back to the top of his bowling mark again. I think he's having some issues with his run-up. Again and again, this over is struggling. Now he comes on to bowl that last ball of his over. To Basit Akbar. Oh, beauty. Superb delivery. Moving outward, shaping outwards. Goes past an edge again. It's over number 5 done. But Nazir once more. It goes past an edge again. Bowlers are in search of a breakthrough but unable to find an edge. देखिए लगातार उन्होंने प्रयास किया बल्लेबाज को वहां पर ललचाया ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी रखी 35 35 35 5 के बाद 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं विकेट खोया नहीं है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए क्योंकि एक विकेट की तलाश में है कुछ अतिरिक्त प्रहार वहां जरूर किए कुछ बेहतरीन गेंदबाजी देखने को जरूर मिले लेकिन भाग्य ने साथ दिया वो एक दो जीवनदान जरूर मिले वहां ऐसे में डडू रेंजर्स की प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में एक खिलाड़ी जरूर उनके पास पहुंचे कुछ संदेश लेकर के यहां से रनगति को चाल देनी होगी एक बेहतरीन ठोस आधारशिला की आवश्यकता डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को फिलहाल 5 के बाद 35 बगैर नुकसान के Even contest at the moment. Top fight is going on between Dudu Rangers and Sky Star at the moment. Pacers operating from both ends. Captain is happy to persist with pace. Nazir, you were talking about that. They need a spin in between. But Captain is still going with pace. And it's Umar Shah again to bowl. Over number 6. Last over mandatory power play. देखिए यहाँ कप्तान के इरादे थोड़े से अलग हैं क्योंकि तेज गेंदबाजों से अभी तक आपको कोई विकेट नहीं मिला तो मैं समझता हूँ एक आपके पास इतने सारे गेंदबाजी में विकल्प है तो आप एक का प्रयोग कर सकते हैं स्पिन गेंदबाजी आक्रमण में ला करके थोड़ा सा दबाव रणगति पे अंकुश लगेगा दबाव बढ़ेगा एक विकेट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो जो है उनकी सोच जो है वो कुछ अलग तरीके की हो गई और वो तेज गेंदबाजों से लगातार इस समय गेंदबाजी कराना चाह रहे हैं ओवर शायद तीसरे ओवर में गेंदबाजी करेंगे कुल मिलाकर ये पारी का 6ठा ओवर 35-5 के बाद बगैर नुकसान के उमर और बासित अकबर की जोड़ी अभिजीत बनी हुई डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए The last two mandatory power plays here Umar 7 of 16 and talking of dot ball percentage look at Mohammad Umar he has used 16 balls he's yet to attend double figure mark he's just on 7 in single digits here but on the other side Basit Akbar used 14 for his 19 देखिए अच्छी बल्लेबाजी बासित अकबर ने कि उन्होंने कम गेंदें खेली हैं ज़्यादा रन बनाए हैं वहीं पे मोहम्मद उमर ने ज़्यादा गेंदें खेली है कम रन लेकिन वो एक समर्थन साथ में दे रहे हैं हालांकि पूरी तरह से अभी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर नहीं पाए हैं नेवर की शुरुआत पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और उसको सिर्फ दिशा दे दी वहाँ खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया नासिर कुमार के पास गेंद पहुंची फील्ड हुई रन नहीं मिला 5.1 और रन संख्या 35 बगैर नुकसान के डडू रेंजर्स की टीम हालांकि आसिफ मंजूर का आना भी बाकी है आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है
और दमखम में बल्लेबाजी में सरशील आपके पास है और इन परिस्थितियों में देखना होगा स्काई स्टार बड़गाम की टीम क्या लक्ष्य रचेगी। लेकिन शुरुआत में कुल मिलाकर जिस प्रकार की रणनीति दोनों बल्लेबाजों ने अपनाई है इसको थोड़ा सा यहाँ पे अधिक जोखिम लेते हुए और अभी बड़ा करना होगा रन गति को। अगली गेंद उमर की और इस बार स्टोक खेला जरूर वहां खिलाड़ी तैनात है। एक रन तेजी के साथ थ्रो किया लेकिन स्टंप्स पे से ठीक थ्रो पड़ा और ऐसे में यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सब हफ्ते वापस लौटना पड़ेगा। अंततः उमर का विकेट रन आउट के रूप में मिलता हुआ स्काई स्टार बड़गाम की टीम को। यहाँ 35 पे पहला विकेट गवा दिया है रेड रेंजर्स ने। फयाज सर्वर हिट्स द बुल्सआई, व्हाट अ रिटर्न एंड व्हाट अ शॉट, कॉट हिम शॉर्ट ऑफ हिज ग्राउंड देयर एंड उमर इज ऑन हिज वे 35 for 1। Well, talking of running between the wickets, this is another concern for Umar Watson. And once again, he given it up. And he said, I can't attend that crease. And fielded as well, he dropped a catch. But now, he takes revenge, he has his man. Well short of his ground, 35 for 1 in over number 6. आदिल वानी संभवते नए बल्लेबाज और एक और दिग्गज खिलाड़ी, एक और महान खिलाड़ी और गजब के फॉर्म में है जहां तक डडू रेंजर्स की टीम का सवाल है। जी हां, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहां पहला विकेट गंवाना पड़ा। हालांकि मोहम्मद उमर क्रीज से काफी दूर रह चुके थे तो ऐसे में विकेट डायरेक्ट थ्रो वहां फयाज सर्वर का और ऐसे में विकेट की तलाश भले ही गेंदबाज ना दिला पाए हो क्षेत्ररक्षक ने विकेट दिलाया और एक विकेट जिसकी की आवश्यकता थी यहां डडू रेंजर्स की टीम को आते वो मिलता हुआ स्काई स्टार बड़गाम को। और अब जाकर के आदिल वानी और बासित अकबर के कंधों पर तो इस पारी को आगे चलाना होगा, एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी, बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना होगा क्योंकि आसान परिस्थिति नहीं। अगर स्काई स्टार की बात करें उनके पास बहुत ही बेहतरीन विस्फोटक अंदाज के बल्लेबाज है और नंबर 9 नंबर 10 तक बल्लेबाजी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक लक्ष्य जहन में जरूर होगा यहां डडू रेंजर्स कश्मीर के। अवानी इज इन एट नंबर 3, आइडियल बैट एट नंबर 3, आइडियल पोजीशन फॉर आदिल वानी। ही इज अ टेरिफिक लैड, ही इज अ टैलेंटेड लैड, ही इज गॉट talent in its abundance, but today he need to deliver for his team as they're 35 for 1, very nervous number 6, got off to a good start, a steady one, but now they're one down, they are reduced to 35 for 1 after being put into bat, need a good partnership here, need a one solid partnership at this very crucial juncture, good stand between Basit and Adil Wani, let us see how they will react to the situation and how these two ladders will put on a show. Are they gonna stick to basics? Are they use a different style of cricket and a brand of cricket against Umar Watson? Another chance of a run out, but this time not a clean stop. Allowed a single, and Adil is on strike now. एक रन के साथ ही आदिल वानी को पहली बार इस ओवर में स्ट्राइक लेने का अवसर मिला। रन संख्या सब 36 और एक विकेट के नुकसान पे 36, एक विकेट के नुकसान पे 35 पे पहला विकेट रन आउट के रूप में मोहम्मद उमर का मिला स्काई स्टार बड़गाम की टीम को। और एक और विकेट की तलाश में होंगे आदिल वानी, अब स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। बासित अकबर नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं और उमर शाह गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका तीसरा ओवर कुल मिलाकर पाने का छठा ओवर, हालांकि दो ओवर की गेंदबाजी फैजान रूफ ने की, एक ओवर की गेंदबाजी वहां यासिर कुलगामी से कराई। अगली गेंद लेकर के तैयार चले सामने वाले छोर से उमर और उनकी ये गेंद आदिल वानी के लिए ऑप्शन से बाहर, स्टंप्स को कवर किया, देखा बला हालांकि बाहर की तरफ लेकर थी, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर शौकत नायडी का। एक रन और खाते में, अतिरिक्त रनों के साथ ही रन संख्या डडू रेंजर्स की पहुंच गई 37 पे छठे ओवर में एक विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 6 एंड कॉल्ड एज अ वाइड अगेन, टू मेनी एक्स्ट्रास टुडे, बीट उमर, बीट फैजान और यासिर कुलगामी, ऑल द बॉलर्स लैकिंग दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, लीक टू मेनी वाइड वाइड टुडे एंड टू मेनी एक्स्ट्रास, इट्स 37 फॉर 1। Here is Umar Watson, Umar again, Umar Shah, batter right on top of that bounce, another chance of a run out, gone bagging and overthrows, this is gonna hurt their side, five gifted runs, Kulgami was backing up, unable to stop the ball and ball goes past quickly, so five gifted runs, it's 42 and they needed that and in the end getting in that kind of a manner. And the fielder backing up can't stop the ball. आवश्यकता भी है रनों की, रन गति को उछाल देने की आवश्यकता यहाँ पर डडू रेंजर्स कश्मीर के बल्लेबाजों को। और अंत में वो 5 रन अतिरिक्त के रूप में, उपहार के रूप में वो 5 रन मिलते हुए और इन 5 रनों के साथ 42 पे रन संख्या पहुंच चुकी है। ये पारी का कुल मिलाकर छठा ओवर 42, एक विकेट के नुकसान पर मोहम्मद उमर और बासित अकबर ने आज पारी प्रारंभ की। मोहम्मद उमर रन आउट होकर के मैदान से बाहर चले गए हैं पहले विकेट के रूप में। फिलहाल ये पारी का छठा ओवर, उमर शाह इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और अगली गेंद लेकर के तैयार दाहिने हाथ के बासित अकबर के लिए जो कि सामना करने के लिए तैयार आसिफ रमजान, जो कि
काफी दूर जो विकेट कीपर है स्काई स्टार बटगाम के। अगली गेंद उनकी और अच्छी गेंद थी, पंजू के बाल चलते हैं वापस खेला बैट और पैड में लाकर के मिडल ऑफ द बैट से बॉलर की दिशा में फील्ड हुई, रन नहीं मिला और ऐसे में रन संख्या में इजाफा नहीं 42 छठे ओवर में। एक विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स की टीम आमंत्र तौर पर बल्लेबाजी करती है। स्काई स्टार बटगाम की टीम जिन्हें गेंदबाजी का अवसर मिला है और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ क्या अभी भी एक गेंद का समाप्त आना बाकी। ये छठ ओवर पावर प्ले अब समाप्त होगा, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का अभी तक उस प्रकार का इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्लेबाजों द्वारा जो कि एक विकेट जरूर गंवाए हैं, 42 रन मात्र बने हैं और ऐसे में ये अगली गेंद लेकर के तैयार उमर चले सामने बासित। बासित के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि ऑन साइड में उसको खेला जरूर, उस और खिलाड़ी तैनात हैं जब तक वे गेंद को फील्ड करते हैं एक रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, एक रन सही संतुष्ट। ओवर समाप्त, पहला पावर प्ले समाप्त, 6 के बाद 43 डडू रेंजर्स कश्मीर एक विकेट के नुकसान पे। उमा शाह कंप्लीट इज ओवर, उमा शाह 3 ओवर्स नन फॉर 19, अनएबल टू ब्रेक द पार्टनरशिप, अनएबल टू पिक अप अ विकेट, बट हैज डन वेल, गॉन फॉर 19 ऑफ हिज 3 ओवर्स, इकोनॉमिक शेड ओवर ऑन अ बॉल ऑफ हिज 3 ओवर्स एंड ही बॉल्ड सम टेरिफिक लाइंस एंड लेंथ्स एंड कैप थिंग स्ट्राइट। You got to give credit, due credit to Umar Shah. He bowled really well here. It's 43 after 6 overs. Still shade of a 7 and over going on. And they're unable to take chances. They're not changing their gears at the moment. And they're just playing simple game, run a ball, shade over that. And they're happy with that. देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो आने वाले बल्लेबाजों में आपके पास आसिफ मंजूर हैं, गुलजार गुली हैं और उसके अलावा डार्जुनर अच्छी खासी जो है वो गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में भी उनके पास दमखम है, उसके अलावा कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी उनके पास है, लेकिन यहाँ शुरुआत में आपको बेहतर तरीके से क्योंकि उतना दबाव नहीं है बल्लेबाजों पर, 43 रन बने, 6 ओवर की गेंदबाजी हुई, मात्र एक विकेट अभी तक खोया है तो उसका लाभ लेना होगा यहाँ बल्लेबाजों को। दूसरी ओर गेंदबाज अब एक और विकेट की तलाश में होंगे और इन परिस्थिति में अगर एक और विकेट जल्दी निकाल लेते हैं तो दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर, फिर आसान परिस्थिति नहीं होगी अंत में जो है किस प्रकार से आप बल्लेबाजी करेंगे। अगर जहां से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों तक जो है आप सफलतापूर्वक बेहतरीन साइज निभा करके उन पे किसी किस्म का दबाव ना हो तो फिर आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड यू टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक इट डीप एज पॉसिबल, दे आर ट्राइंग टू कैरी द बैट्स एंड अलाउ द मिडिल ऑर्डर एंड डाउन द बैटर्स टू कम इन एंड एंजॉय द बैट्समैनशिप इन द लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स। But Nazir, you need a good start. You need that kind of foundation for that big score here. And at this very crucial juncture, to me, you need to break free. Need some big shots in between. You should try. At least give it a try. Change in the bowling. Spin for the first time. It is Zaid Nabi, who bowled really well yesterday in Bandipura. Today, got an opportunity to bowl here. Slip in place for Samir. First ball, good delivery. Wanted to keep it away on offside. Somehow gets his little pot of blade behind the ball and survives, scared, no run there, it's a dot ball. Good start whenever for bowler, he starts up with the dot. देखिए ये जो सत्र होगा 7 से 14 ओवर का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, न सिर्फ बल्लेबाजों के लिए बल्कि गेंदबाजों के लिए। गेंदबाज चाहेंगे, टीम चाहेगी स्काई स्टार बटगाम की यहाँ रन गति पे अंकुश लगे, ज्यादा अवसर ना बल्लेबाजों को मिले, लेकिन बल्लेबाजों का भी प्रयास होगा जैसा आपने कहा कि यहाँ से अब कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाए। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप पर आती है गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तर में, संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तर में चली गई। Well, a dot ball, fly turn off, wanted to lure him into the big shot. So does Basit Akbar, but doesn't connect to that shot, and it's a dot ball. Slip still in place for Basit. Here is Zaid Nabi to Basit Akbar. This time Basit plays it. Oh, could be tight, but good running between the wickets. Not a clean start by Adil Kachru. Allowed another run. It's 44 for the loss of one. 44 एक विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में चौथे गेंदबाज स्पिन आक्रमण पहली बार प्रयोग में, जहां तक स्काई स्टार प्रोग्राम की टीम का सवाल है, जाहिद नबी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने आदिल वानी जो कि मोहम्मद उमर के आउट होने के बाद बीच मैदान में आए हैं, फिलहाल जाहिद नबी की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार ये गेंद। और इस बार आदिल वानी ने बैक पर जाकर के गेंद का इंतजार किया, जगह बनाते उसको खेला जरूर, पीछे खिलाड़ी तैनात है ऑफसाइड में, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, एक रन जरूर मिला वहां आदिल वानी को और एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 45। आदिल वानी एक एक रन से पारी को आगे चला रहे हैं, एक अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, जहां रन गति पे अंकुश लगे वहां सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, बीच में कुछ बड़े स्ट्रोक की भी आवश्यकता और एक बड़े लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। फिलहाल जाहिद नबी अगली गेंद लेकर के बासित अकबर के लिए 45। ये गेंद बासित की और बासित ने उसको वापस खेला बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के, बढ़िया ओवर अब तक जाहिद नबी का, ज्यादा उन्होंने रन खर्चे नहीं है अपने इस ओवर में। प्लेस इट विद द वन हैंड बैक टू द बॉलर, समहाउ ब्लॉक्स इट. He was struggling on that occasion.
It was a good delivery, straight on and coming into the right hander, and one handed leaves one hand from the bat and it goes back along the track. Now run there, 22 of 21. Basit Akbar on strike in front of Zaid Nabi. This time hits it down towards wide up mid off. Second run is on and good running between the wickets. He's going back for the third. That is in good piece of field. They allow that third run. Three runs added on. It's 48 after 7. Good end in the good end to the over. We saw three runs coming off the final ball. But that wasn't a good shot, to be precise. There wasn't anyone backing up within 30 yards. Someone from Scala comes in to stop the ball. Allow that third run. They need to avoid these lapses on the field. मनोहर क्षेत्रक्षण भी एक चिंतित विषय रहा है अब तक का. अगर इस सत्र की हम बात करें आज का स्टार बड़गाम, उसको थोड़ा सा बेहतर करना होगा क्योंकि इस प्रकार के जो है आंतरिक क्षेत्रक्षण से बचना होगा, क्योंकि बेहतर परफॉर्म करना है फील्ड के अंदर. जब आप तीनों डिपार्टमेंट में बेहतर करते हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो, तो एट द एंड आप जो परिणाम है वो आपके हित में आ सकता है और उस चीज़ से बचना होगा. लेकिन दूसरी ओर बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, यहाँ जैसा कि आपने पहले ही जिक्र किया कि यहाँ से थोड़े कैलकुलेटर रिस्क उठाने होंगे क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास अवसर है. आप जी बिल्कुल लार, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि विकेट आपके पास ज्यादा सुरक्षित है, 9 विकेट आपके पास. आने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, अच्छे खासे बल्लेबाज आपके पास बचे हैं, तो मैं समझता हूं यहां से एक चांस लेना होगा बल्लेबाजों को. शुड ट्राई एंड अप द टेंपो एंड अटैक द बॉलर्स इन बिटवीन. वी सॉ दैट सॉलिटरी ओवर फ्रॉम ज़ाइद नबी, जस्ट 4 ऑफ इट, क्वालिटी ओवर. Now captain goes back to the pace again. It looks like Arya Pumbe is going to bowl for the first time. Pumbe Express will bowl. On strike will be Adil Wani, who's on to 6. No, it's Basit Akbar on strike, 24 of 22 balls. And Basit got his eyes in. Now he need to capitalize. He need to play spot as user too many balls. He settled his eyes in. Now he just need to up the tempo and score at a good rate. Well, thank you Nazir, you felt that heat effect and coming back to the game. It is 47 for the loss of one after 7 overs. Well, it's a bright sunshine out here today, but it is scorching too. And here is Pumbe, flicks it, gone fine. Big chase for man in the deep, can't stop the ball. That's 4. That's a quality flick shot onto the pad line. Don't ball there to this lad. He's master. He's a natural grafter. Don't ball there. और देखिए जब आप लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी करेंगे, हालांकि बल्लेबाज बिल्कुल स्ट्रोक को खेलने के लिए तैयार थे, स्टंप्स को कवर किया और उसके बाद फ्लिक किया, हालांकि फाइन जरूर खेले, वहां क्षेत्ररक्षक ने प्रयास जरूर किया गेंद को रोकने का, लेकिन गेंद की गति फील्डर की गति से कहीं तेज सी मारे खासे बाहर निकल गई. जस्ट वकारा चौका, 50 संभलते पूरे होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की गेंदबाजी. और ये कुल मिलाकर चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल, हालांकि बॉम्बे एक्सप्रेस में गेंदबाजी कर रहा है. राइट आर्म दूर वाले छोर से सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज बासित अकबर, उनके लिए ये गेंद. और इस बार के लिए अच्छी गेंद पंजू के बालों चलते हुए उसको ऑन साइड में खेला, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां क्षेत्ररक्षण को, जब तक वे गेंद को आकर के फील्ड करते, थ्रो करते, दूसरा रन भी पलट कर पूरा कर लिया. दिशाहीन थ्रो यहां, 2 रन और रनिंग बिटवीन द विकेट. देखिए कमाल की, बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया. और ये वो अवसर है जिनको आपको लपकना होगा, एक को दो में कन्वर्ट करना होगा, दबाव बनाना होगा क्षेत्ररक्षण पर. You're absolutely right. 50 comes up. It's 53 for the loss of one, but that was a good shot prior to this one, flicked up around the corner and beating the man in the deep and earn him a boundary. And fielder was unable to cut it off, he was unable to stop the ball, couldn't stop that one, and ball gone fine for runs. And here is Pumbe again, 53 for one, and a 5 up 2 balls. Good delivery again, could be tight again, needed a directed, and Basit lost control on that occasion. Bat out of his hand is there, he lost his grasp over the bat, but no harm done. He wanted a single, he wanted to scamper through without bat, but Adil Wani does well, sends him back, says take it easy. And sorry, correction comes in, 6 of first 2 balls, a boundary then a brace. 6 रन पे इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं और रन संख्या सबसे 54 तक पहुंच चुके हैं.
और 53 तक पहुंच चुकी है, क्षमा कीजिएगा 53 रन। ये पारी का 8वां ओवर, और अब तक की गेंदबाजी की बात करें 3 ओवर उमर शैन ने, 2 ओवर की गेंदबाजी वहाँ उसके साथी गेंदबाज ने, और उसके बाद जाहिद नबी का भी इस्तेमाल किया गया। बॉम्बे एक्सप्रेस इस समय गेंदबाजी करें, यासर कुलगामी ने 1 ओवर की गेंदबाजी। इस बार बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, और वहाँ किनारा छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर आसिफ रमजान के पास, और उन्हें कोई गलती नहीं की, लपक लिया, और यहाँ वापस लौटना पड़ेगा बासित अकबर को दूसरे विकेट के रूप में But a good call from umpire. In a hurdle, Sky Star celebrating. And celebration time, not a party time, but the celebration time begins in the middle as they get as they're getting rid of danger man. Basit was trying to take game away, and he was batting like a natural grafter, and he was now eyeing and trying go big. He was scoring at a good pace. देखिए बासित अकबर की अगर हम बात करें, एक और जैसा कि आपने पहले भी लगातार आप कमेंट्री बॉक्स में चर्चा कर रहे हैं, एक और फाइंडिंग है इस कश्मीर कप की, जे के स्पोर्ट्स टाइम की अगर हम बात करें, तो बासित अकबर ने हाल फिलहाल में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पारियां खेली हैं अब तक के इन मुकाबलों में, और निश्चित तौर पर युवा क्रिकेटर हैं, बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी क्रिकेटर, और ऐसे में हालांकि आज उतना ज़्यादा योगदान दे नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन पारी खेली, एक छोर से पारे को बनाए रखा और कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, अंततः विकेट गंवाया। आमिर सोफी नए बल्लेबाज, एक और दिग्गज खिलाड़ी, यहाँ 53 पे 2 विकेट 8वें ओवर में गवा दिए हैं डोडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने। न्यू मैन वॉक्स इन इज आमिर सोफी, टॉकिंग अप हिज कैलिबर, टॉकिंग अप हिज क्लास, ही हैज प्लेड फॉर जेकेसीए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैड, एंड आई डोंट थिंक ही नीड मोर इंट्रोडक्शन, एंड आई इंट्रोड्यूस हिम एज अ फॉर्मर जेकेसीए प्लेयर एंड मेकिंग इट टू द जेकेसीए स्ट्रक्चर इज एन इजी इज एन एवरीवनस कप ऑफ टी, and I request my dear scorer, look at that, have something of it. I'm coming back to the game, it's 53 for 2 Nazir. और हमारे स्कोरर स्टैटिस्टिशियन जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, और जिस प्रकार से वो हर एक आंकड़ा हमारे तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद करना चाहेंगे वहाँ हमारे स्कोरर का। फिलहाल विकेट मिल चुका है और ऐसे में 53, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 8वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता था, और अभी भी देखना होगा इस ओवर की कितनी गेंदें बची हैं, ये 8वां ओवर, 2 गेंदों का आना बाकी, 7.4 53, 2 विकेट के नुकसान पर आमिर सोफी के लिए। चले ये बॉम्बे एक्सप्रेस की गेंद, हवा में उड़ता हुआ स्टॉक, पीछे शबीर लेफ्टी जा रहे हैं, लेकिन गेंद को हालांकि उन्होंने दूसरे प्रयास में फील्ड तो कर लिया, लेकिन रन जरूर पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, और ये दूसरा रन भी मिलता हुआ, थोड़ा सा वहां पर क्षेत्र रक्षण खराब, अरे आपस में तालमेल को बिठाना होगा, बेहतर तरीके से तालमेल का परिचय देना होगा, अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा, अभी अभी दूसरा विकेट गवाया है, तो ऐसे में यहाँ अतिरिक्त जोखिम की आवश्यकता है नहीं। Arvind is unhappy, Nazir, you can see that, and there was a big mix up, yes no, and Amir Sophi was talking about and thinking within his body, there was kind of a discussion going on, should I go back for the second, should I go, and in that process, had she been left to release the ball early, would have been drama, utter drama in the middle, would have been third one on his way, and the next one on the pad line again. He's a bit slingy in action, talking of that sidearm action, and it's a bit difficult to land each and every ball in right area with that slingy action on offer, but that turn on the pad line again, little bit leg side, but unable to get enough wood behind that one, so just a single, and he will keep the strike, we're done with the 8th one, successful over comes to an end from Pumbe. And what a name he's got, Pumbe Express, and Nazir even day before yesterday, I was talking to you about why he has been named as Pumbe. Is there any place in South Kashmir named as Pumbe? Or there is there another reason he's named as Pumbe Express? निश्चित तौर पे जो है ये का बड़ा दिलचस्प नाम, और इसके पीछे क्या राज हो सकता है ये जानने की जरूर हम अवश्य कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 8 पूरे 56 और 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से 2 विकेट, वो 7 का हिंसा इस में पकड़े हुए हैं डोडू रेंजर्स की टीम। या एग्जैक्टली, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल
एंड दिस वन इट्स ऑफ द पैड इट लव इज ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ talking of that ball lobes of we often see in test match games this happen as ball bounce off all of a sudden and goes in air no wicket ki ye gendbazi aur ye zahid nabi ke gend is baar jagah mil gayi pool ke usko piche khiladi hain jab tak we gend ko fail karte hain ek run zarur dono ballebazon ke paas paryapt samay tha aur ek run ke sath hi run sankhya aage badhti hui 57 pe pahunchi 9ve over mein dadu ne jisne do wicket sabse pehle mohammad umar run out ke roop mein maidan se bahar chale gaye dusre wicket ke roop mein basit akbar jinka ek shandar ek atrikt uchal ki uchalti hui gend par kinara chhuti gend wicket keeper ke dastane mein chali gayi thi agli gend zahid ki और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया बैट पर चले गए और अंतिम समय तक गेंद पे नजरें जमाई रखे और उसके बाद उसको तिरछे बल्ले के साथ खेला जरूर हालांकि पीछे खिलाड़ी थे वहां नासिर कुमार और उन्हें गेंद को फेल कर लिया बगैर किसी रन के 9 ओवर 56 दो विकेट के नुकसान पर डरू रेंजर्स कश्मीर की टीम जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण टीआरसी डलगेट से आप तक पहुंच रहा है कश्मीर कप सीजन 2024 और मैच नंबर 9 इस बार बैट पे टकराई जोरदार अपील यहां पर लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम नकारा माजिद होरा ने कोई प्रभाव नहीं कोई क्षति नहीं और साथ में रन गति में कोई वृद्धि नहीं रन संख्या अभी भी टिकी हुई 56 पे 9वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हालांकि एक बेहतरीन क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ स्काई स्टार की टीम समय गेंदबाजी करे तिरछे रन अप के साथ बाएं हाथ के गेंदबाज जाहिद नबी अगली गेंद लेकर के इस बार फिर अच्छी गेंद थी एक कदम आगे निकाला गेंद को सम्मान दिया वापस खेला बॉलर के दिशा में रन बनने की संभावना समाप्त हुई और ऐसे में अभी भी सब कुछ गेंदों का आना बाकी है 9वें ओवर लेकिन रन गति में पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ 2 विकेट जरूर आमिर सूफी और उनके साथ आदिल वानी ये जोड़ी बीच मैदान में आदिल वानी है सामने एक बेहतरीन क्रिकेटर लेकिन एक बेहतरीन पारी की आवश्यकता यहाँ डडू रेस के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पंजो के बालों चलते हुए खेला जरूर लेकिन शानदार क्षेत्र दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइक की छोर से रन लेने के लिए आमिर सूफी इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा क्योंकि आवश्यकता है नहीं ओवर समाप्त हुआ 56 2 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर एंड द अदर क्वेश्चन इज व्हाई कुमार लेफ्ट डडू रेंजर्स इज इट वॉकिंग एट नंबर 1 विद a batter Adil Guldan and it was a kind of a down pair the duo the destructive duo the destruction in one frame we were talking about and we called them destructive pair of Fairley and he changed his franchise not being traded but he changed himself he wanted to be released and he's away now talking of Nasir Kumar and Amir it was a good combination and chemistry going on between Nasir and Amir Sophie now playing Now they are pole as a part to be precise. It is simply North Pole and South Pole nowadays, but they were having a good mutual understanding when they were part of the Rangers side. निश्चित तौर पर इस पे चर्चा जारी रहेगी फिलहाल 9 ओवर पूरे 57 डडू रेंजर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की शुरुआत पारी का ये 10वां ओवर आमिर सूफी के लिए पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी और खेला जरूर उसको हालांकि गेंद वहां कवर की ओर वहां खिलाड़ी तैनात उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया एक रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट 9.1 के बाद 58 2 विकेट के नुकसान पर विकेट आपके पास सुरक्षित लेकिन यहाँ रन गति को उछाल देने की आवश्यकता एक विकेट की तलाश में और एक बार फिर गेंदबाजी तो क्या फैजान के पास सतवा पोम्बे को लेकर के आए हैं ये देखना होगा फिलहाल पारी का 10वां ओवर और पोम्बे एक्सप्रेस जो कि अपने कोटे का दूसरा और स्काई स्टार प्रोग्राम की ओर से पारी का 10वां ओवर दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज दूर वाले छोर से सामने है आदिल वानी आदिल के लिए गेंद इस बार बढ़िया स्ट्रोक खूबसूरत स्ट्रोक कोई अवसर नहीं गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए एक और चौका यहाँ जस्ट मोकर आदिल वानी के बल्ले से आत्मविश्वास भरा ये स्ट्रोक और 4 रनों के साथ रन संख्या 61 पे पहुंची 10वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे लगातार यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा रन गति को उछालना होगा लेकिन दूसरे गेंदबाजों का प्रयास होगा कि सटीक लाइन और लेंथ के साथ वो आक्रमण करें और जो ऑफसाइड के जो ऑफसाइड की फील्ड है उसके अनुकूल आप गेंदबाजी करें अवसर ज्यादा बल्लेबाजों को देने यहाँ गैप का बेहतरीन इस्तेमाल किया खूबसूरत स्ट्रोक था प्लेसमेंट बढ़िया थी चौका मिला पिछली गेंद पर 1 रन अगली गेंद बॉम्बे की इस बार आदिल वानी के लिए फिर उसी दिशा में लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी तैनात है उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया 1 रन जरूर पलट कर दूसरे रन के लिए दिशाहीन थ्रो ये और दूसरा रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या डडू रेंजर्स कश्मीर के 63 10वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे सजाद सुल्तान इज अनहैप्पी एंड एज ही जस्ट फिनिश्ड दैट एंड टॉकिंग ऑफ सजाद सुल्तान इज अनहैप्पी ही इज गेजिंग एट उमा शाह देयर ही वांटेड अ क्विक रिस्पांस फ्रॉम फील्डर इन द डीप बट ही वाज अनएबल टू रिलीज द बॉल इन टाइम अगेन एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्ली रिलीज ऑफ नासिर एंड ही वांटेड दैट
was released. And at next one, it's in the air. There is a man at mid-off. And one is on his way. Pumbe shows him the way. Tells him, trace that path. And you're on your way. And it's wicket number three down. Doesn't middle that one. Goes only as far as mid-off is concerned. Straight down to the throat. Soft dismissal. And he's on his way. Big fish. Big lad. And one is on his way. Technically, sound battery is gone here. And he's caught at mid-off. Halfway mark in over number 10. And we saw wicket coming. Well, it is over number 10 we are in. Halfway stage in over number 10. And that wicket of Adil Wani, I can't understand what he was trying to do. He was trying to lift it up and beat that mid-on. And find mid-on in place in the end. It goes straight to him. And fielder does well. As easy as you get. As simple as it is. A simple list of the catches in the end. And he's on his way. And that brings Asif Manzoor to bat. Manzoor walks in at number 5. Asif Manzoor. And he is the ball of Dedu Rangers. And talking of his body structure. Powerful lad. He can muscle the ball. He can smoke and smack the ball. And he can up the tempo when required. And this lad, he's a big lad for the Dedu Rangers. He's a big batter. He's a big man. He can be crisis man. He can deliver for his team. And it's 64 for 3. Down to two experienced lads. Asif Manzoor and his partner. And Adil Saab is here. Thank you, Superior Presents, one of the cricket promoters in the valley. And it's he's himself a brand and man backing Dedu Rangers Kashmir. And as we were talking about Amir Sufi, experiences there. And now, who joins him in the middle? It is Asif Manzoor. Talking of his body structure, keeping that body aside. Talking of his techniques, both are technically sound. देखिए इसमें कोई शंका नहीं क्योंकि बहुत ही बेहतर बल्लेबाज दोनों हैं जहां तक आसिफ मंजूर की पारी का सवाल है उनकी बल्लेबाजी का सवाल है वो एक दिग्गज खिलाड़ी एक महान खिलाड़ी है हर महानता उनको इस प्रकार से भी मिली है क्योंकि जिस प्रकार से वो फील्ड में जाकर के विकेट पे जाकर के वो जो परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी करना मैं समझता हूं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता पिछले मुकाबले की पारी आपको याद होगी वो 80 रनों की ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी उन्होंने खेली थी और ऐसे में उसके अलावा अगर हम हाल फिलहाल के उनके रिकॉर्ड को देखें गजब के फॉर्म में बहुत ही बेहतर आकर्षक पारियां उन्हें पिछले कुछ मुकाबले में खेली है तो ऐसे में वो आत्मविश्वास इस खिलाड़ी के अंदर वो आत्मविश्वास फील्ड के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना मैं समझता हूं वो चीज एक बल्लेबाज को महान बनाती है well, exactly you're absolutely right and he is performing on consistent basis consistency matters you call that musalsal tasalsul it's like that is it continuity and consistency and this lad He's a regular customer. It's 64 for 3. And he knows how to take his team out of trouble and how to bail them out. And today, it's a new day. It's a new game on offer here. And Mars is in the middle for Dedu Rangers. Jaggi Sports Time in collaboration with Anthem Sports India. Fresh and Feast, the shining star power. Amateur multi-brand bureau, Fiwani Green Lines Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. Then coming back to the H&D complete kitswear, Natipura, Srinagar. It's 64 for 3. We are in over number 10. As we watch Pumbe again among the wickets. He picked up second wicket. He's in his second ever. What an outing for Pumbe. What a delivery. What a way to welcome newcomer. Outward moment again. I was talking about that Silingi action, sidearm action. Bit difficult. To pitch the ball in the right areas. The other thing is that he's also difficult to read. As a batter, you can't read him each and every ball properly. आसान परिस्थितियां नहीं है यहाँ बल्लेबाजी भी करना क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक हुई है हालांकि विकेट तीन जरूर मिले हैं स्काई स्टार बटगाम को लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी पे अंकुश लगाया है ये कमाल की बात है पोंपे एक्सप्रेस अगली गेंद लेकर के आसिफ मंजूर के लिए 63 विकेट के नुकसान पर ये गेंद इस बार फिर खूबसूरत बेहतरीन गेंदबाजी और पूरी तरह से यहाँ चकमा दिया आसिफ मंजूर को Even Asif Ramzan is surprised at behind wickets, behind sticks and stumpers.
Why did it miss the bat? What was the reason behind that? Tony closed the bat pace early and leaving the ball to wicketkeeper. But that was an easy one. It was about to kiss the blade, and I think he was a bit early to react, and ball gone past that outside edge, and he survives scarier. And Pumbe, 2 overs, 2 for 16, economic, brilliant, and up to the mark. बहुत ही बेहतरीन नपितुली अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, प्रेरणापन उनकी गेंदबाजी में, और वो आक्रामकता उनकी गेंदबाजी में, एक्यूरेट उन्होंने गेंदबाजी की, एक्यूरेसी उनकी गेंदबाजी में. यहाँ 10 ओवर के बाद रन संख्या 63, 3 विकेट के नुकसान पर, 64 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की शुरुआत. आमिर सोफी और आसिफ मंजूर की छोड़ी समय बीच मैदान में, और अब जाकर के यासिर कुलगामी समाप्त गेंदबाजी करेंगे. ये कुल मिलाकर पारी का 11वां ओवर, पहली पारी चलती है कश्मीर कप सीजन 2024, और ऐसे में मैच नंबर 9 पहली पारी चलती हुई. और यहाँ खान राजा जो कि एक मुख्य अंक है अगर कमेंट्री पैनल की बात करें, और जी हाँ बिल्कुल, सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट पेश किया गया है खान राजा, और क्या बेहतरीन वो पल है. और वो अब यहाँ पर उपस्थित है फिलहाल, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, और ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में लाजवाब और बेहतरीन अभी तक की गेंदबाजी हुई है. हल्की हवा मैदान में चलती हुई, और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स एम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंपोरे मैच एम्फेशन फिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बखर हमदान हुरिकेन्स डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एच एंड डी. अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक कलाइयों के दम पर सीधे मिड ऑफ की, और वहां खिलाड़ी आदिल कासरो ने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया. आसिफ मंजूर के पास स्ट्राइक, और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 65 पे पहुंची, 65 रन संख्या 11वें ओवर में. और यासिर कुलगामी सब गेंदबाजी कर रहे हैं, इससे पूर्व उन्होंने एक ओवर की गेंदबाजी समाप्त की है. ये उनका दूसरा ओवर पारी का 11वां ओवर. स्काई स्टार बड़गाम की ओर से आसिफ मंजूर है सामने एक पे. अगली गेंद आसिफ मंजूर के लिए, यासिर चले ये गेंद, और इस बार गेंद हवा में, लेकिन उस ओवर खिलाड़ी नहीं है, ये नो मैन्स लैंड में गिरती, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे आसिफ मंजूर, 2 रन और खाते में. अच्छी दौड़ विकेट के बीच में 2 रन पूरे कर लिए, और 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई समाप्त 67 पे पहुंची. 11वें ओवर में 3 विकेट खोए मोहम्मद उमर, दूसरे विकेट के रूप में बासित अकबर, और तीसरे विकेट के रूप में आदिल वानी. ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए. डोडू रेंजर्स सामंत तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कश्मीर कप के कुल मिलाकर 9वां मुकाबला, पहली बारी स्काई स्टार बड़गाम की टीम इस समय बिड़ंत करती हुई डोडू रेंजर्स कश्मीर के साथ. यासिर कुलगामी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शकों उपलब्ध है इस मुकाबले का आनंद लेते हुए. हमारे श्रोता भाई जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समर्थन सहयोग देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए. आप अपना सुझाव दे सकते हैं. फिलहाल 11वें ओवर में 67 रन संख्या कुलगामी गेंदबाजी कर रहे हैं. Well, Yasir is operating with the ball, 67 for 3. Here, oh, look at that one. Head on. He's appealing for court behind. He's appealing for court behind and wide signaled by Skellig umpire Shaukat Mehdi. And Kulgami, he's pumped up, he's delighted, he was appealing. He was about to celebrate. He can't believe. And umpire believes it's a head high, even above head, cold as a white. वाइड का इशारा वहां पर अंपायर का, एक रन और खाते में छोड़ा, 68 रन संख्या 11वें ओवर में. डोडू रेंजर्स कश्मीर की टीम, यासिर कुलगामी गेंदबाजी कर रहे हैं. आसिफ मंजूर और आमिर सोफी के पे काफी कुछ निर्भर करेगा, उनके कंधों पर दायित्व होगा. एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी, न सिर्फ बेहतरीन पारी बल्कि एक बेहतर पारी खेलते हुए फिनिश करना होगा इस पहली पारी को, एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना होगा डोडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को. अगली गेंद देकर कहता यार यासिर चले, दाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ के लिए, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को फ्लिक किया, पीछे खिलाड़ी है, हालांकि उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. एक रन तो जरूर मिलेगा, बेहतरीन स्ट्रोक जरूर था आसिफ मंजूर के बल्ले से, और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती 69 तक जा पहुंची. 11वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और स्काई स्टार की ओर से गेंदबाजी का दायित्व यासिर कुलगामी के पास. यासिर कुलगामी ऑपरेटिंग विद द बॉल, 69 फॉर 3 इन ओवर नंबर 11. प्रोजेक्टेड स्कोर टेल्स अस 131 इज गेटेबल पॉसिबल इफ दे कैरी ऑन विद द सेम पेस, इफ दे कीप दैट 7 एंड ओवर. Next one, this one flies little uppish, but just wide of the man at point, goes past down towards his back with a point, sends in a good return, but unable to collect that one, would have been a tight one, and it was Amir Sofi, a man in question, but he survives, gets maybe that one, 2 more runs at it, 71 for 3. 2 runs ke saath 71 3 wicket ke nuksan par.
ग्यारहवां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता था। यहाँ से रनगति को गतिशील देनी होगी, यहाँ से रनगति को उछाल देना होगा। यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक खेले होंगे आमिर सोफी और आसिफ मंजूर को। कुलगामी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, 71 रन संख्या पहुंच चुकी है ग्यारहवें ओवर में। स्काई स्टार बड़गाम की ओर से 5 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया गया है, 3 विकेट अभी तक उन्हें मिले हैं। अगली गेंद यासिर की और इस बार कदमों का इस्तेमाल, हालांकि पैर पे टकराई, लेग स्टंप की ओर आ रही थी गेंद, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था आमिर सोफी ने। 1 रन तो जरूर मिलेगा, लेग बाई का इशारा अंपायर का। 1 रन के साथ रन संख्या 72 ग्यारहवें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। दिस इज 11th ओवर इन प्रोग्रेस, गुड ओवर फ्रॉम यासिर सो फार, 2, 3, 4, 7, 6, 7 ऑफ इट सो फार। Good over this again. He's in his second ever, gone for 13. He's still in search of a breakthrough here. He is still in search. He's searching here and there. First ever, that was tight ever. Another tight ever. He's on its way. Here is the last ball. Now field is well spread out. Here is Kulgami. This time punched and punched hard. Beats mid off. Hits fans. That's 4. That was brought to you by Just Bukhari. 76. That 4 will spoil his figures here. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, हालांकि मिड ऑफ के खिलाड़ी वहां जरूर थे, उन्होंने प्रयास किया था लेकिन नहीं पहुंचे, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट बोकारा चौका, ओवर समाप्त हुआ, 77 पर रन संख्या पहुंची, 11 ओवर पूरे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक टीआरसी डलगेट के मैदान से पहुंच रहा है। कश्मीर कप सीजन 2024 वर्ष 9वां मुकाबला, दिन का ये पहला मुकाबला, प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के शाइनिंग स्टार पापोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम ने रेडी प्रोडक्शन का। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का। बने रहिए, एक खूबसूरत मुकाबला, पहली पारी, 9 ओवर का खेल बचा है, 77 विकेट के नुकसान पर रेंजर्स। वेल ओवर नंबर 12 इज अबाउट स्टार्ट। नासिर गोज अक्रॉस हैविंग अ वर्ड विद जायद नबी एंड जायद नबी इज गोना बॉल स्पिन अगेन बट मेजॉरिटी ऑफ पेसर्स टुडे बॉल्ड एंड मेजॉरिटी ऑफ ओवर्स बॉल्ड बाय पेसर्स एंड कैप्टन यूज इट पेस टू परफेक्शन टुडे and batters were unable to ride on the bounce and pace. 11 over ki ab tak gendbazi jisme 9 over tez gendbazon se, 2 over spin gendbazi ne ke zahid nabi ke, to yahan se aap kalpana kar sakte hain ye teesra over hoga zahid nabi ka, 12th over prarambh hone ja raha hai gendbazi mein sky star badgam ki or se, zahid nabi gendbaz, samir sofi ballebaz, pehli gend wicket keeper bilkul stump se sade hai aur is bar gend ke pitch tak pahunchte usko on side mein dhakela, kafi lambi daud lagani padi wahan kshetra rakshak ko, jab tak ve pahunchte gend ko field karte 1 run paryapt samay tha dono ballebazon ke paas, 1 run ke sath run sankhya 78 पे पहुंचे, 11.1 ओवर की 77 एक विकेट के नुकसान पे। 12वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, जाहिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं और इन परिस्थिति में आसिफ मंजूर है सामने अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये गेंद इस बार आसिफ मंजूर ने बढ़िया स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर समाप्त, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोकारा छक्का और ये पहला छक्का 12वें ओवर में अब जाकर के लगा डडू रेंजर्स की ओर से। ही इज कैपेबल, he's a man of big games and big moments and this one launched and Zaid Nabi taken on and ball is gone for off a dozen and that's 6 brought to you by Just Bukhara. We need a new ball because we lost to that one, gone down towards that Mir Kau Khanar area and onto the roadside is a busy place to be and you know the road is here in Srinagar, in city of Srinagar, busiest roads. And talking of the traffic jam, it's visible on each and every nook and corner on that portion. Well, coming back to the game, it's 83-3, but that was humongous hit. खूबसूरत स्ट्रोक था ये और इस छक्के के साथ 83 रन संख्या पहुंच चुकी है 12वें ओवर में। आसिफ मंजूर है सामने और जाहिद नबी के विरुद्ध अब प्रहार, क्योंकि रनगति को उछालने का प्रयास अवश्य देखने को मिलेगा, कुछ संघर्ष यहां देखने को मिलेगा और ऐसे में कुछ बड़े स्ट्रोक अवश्य देखने को मिलेंगे आसिफ मंजूर के बल्ले से। अगली गेंद और इस बार फिर खेला लेकिन इस बार हवा में उछली है गेंद, उस ओर खिलाड़ी आ रहे लेकिन उन्होंने वहां पर अपने आप को संतुलित नहीं कर पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 6 रनों का एक बार फिर जस्ट बोकारा छक्का, 2 गेंदों से 2 छक्के। Another sky and look at Yasir Kulgami, he was looking for cover there, he was trying to protect his head and ball eludes him in the end, goes all the way for 6. It is 6 number 2 of the over, a pair of maximum, 2 on the trot, back to back sixes, pressure on bowler. निश्चित तौर पर दबाव इस समय इस ओवर में जाहिद नबी पे जरूर होगा क्योंकि उनके विरुद्ध प्रहार किया जा रहा है आसिफ मंजूर द्वारा अगली गेंद दे करके और इस बार ऑफ साइड में लेकिन पीछे खिलाड़ी, वहां पर शानदार खेल रक्षा, निश्चित तौर पर गेंद की गति को कम किया, 2 रन जरूर बचाए, 2 रन यहाँ दोनों बल्लेबाजों को मिलते हुए और 2 रन डडू रेंजर्स के खाते में और चले गए। 2 रनों के साथ रन संख्या अब समाप्त
91 तीन विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 12वां ओवर, साहिब नबी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके विरुद्ध लगातार आक्रमण इस समय आसिफ मंजूर द्वारा 91-3 डडू रेंजर्स की टीम। अगले गेंद साहिब नबी तिरछे रन अप के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अरे इसमें देखना होगा आसिफ मंजूर अब जाकर के खुलकर आत्मविश्वास के साथ संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक अच्छी रणनीति उन्होंने यहाँ अपनाई है। स्पिन गेंदबाज पर उन्होंने आक्रमण किया, उनके विरुद्ध विस्फोट किया, दबाव बनाया। यहाँ गेंदबाज पे अगली गेंद और इस बार सम्मान दिया, गेंद को हल्के हाथों के साथ हालांकि ग्लव से टकराई, वही पास में लुड़की गेंद ऑन साइड में, विकेट कीपर आसिफ रमजान ने फील्ड किया, रन बनने की संभावना समाप्त हुई। 12वें ओवर में 91 तीन विकेट के नुकसान पे। एक्सपेंसिव ऑफ द लॉट 6-6-12-14-15 ऑफ 5 बॉल्स, वन बॉल रिमेनिंग, ऑलरेडी गॉन फॉर 15, बैक अवे एंड इट्स गुड बाय बॉल, दैट इज अ बिगी, ओह ऑन टू द ऑटो देयर, ऑटो रिक्शा, टेक केयर ऑफ यूर्स बडी। And that's six brought to you by Just Bukhara. It's 97, 21 of the over. देखिए वो जो रन गति पे विराम लगा हुआ था, रन आ नहीं रहे थे, बड़े स्ट्रोक वहां पर खेल नहीं पा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन जैसे ही आसिफ मंजूर का आक्रमण हुआ वो विकेट पे पहुंचे और उसके बाद अब खुलकर वो स्ट्रोक ले रहे हैं। वो जो अंकुश लगा हुआ था और मानो एकदम से वो विराम जो है वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इस ओवर में 21 रन बटोरे, 3 छक्के आसिफ मंजूर के बल्ले से, 97 तक रन संख्या पहुंचा दी 12 ओवर की समाप्ति के बाद। Big over like this, and it's Asif Manzoor taking Zaid Nabi to cleaners, and after long time Zaid gone for plenty here, and it's 21 off his over, and talking of his spell, 3 overs none for 26. He bowled 2 terrific overs, just gone for 5, but all of a sudden an over, and he's taken to the cleaners, given away 21 off. पहली गेंद आमिर सोफी के लिए और इस बार आमिर सोफी ने वहां पंजू के बाल उछलते ऑन साइड में प्लेस किया, एक रन तो पूरा कर लिया और एक रन से संतुष्ट रहेंगे। एक बार फिर स्ट्राइक आसिफ मंजूर के पास, रन संख्या 97 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। बिग मैन मंजूर ऑन स्ट्राइक हियर, Asif Manzoor, he's on a 27 of 10 balls. What an innings, what a cameo, and he's going hard at everything here. He's trying to find fence every way. One thing is visible to this lad, that is the fence on either side, and he's just trying, eyeing, going big. Here is the next one, 98 RFO, that one good delivery, but still manages to work it away for a quick single that brings up, no it's 99 in over number 13. 99-13 ओवर में और अब जाकर के यहां दूसरा रन बल्लेबाज पूरा कर रहे हैं और इस प्रकार से 100 रन पूरे होते हुए डडू रेंजर्स कश्मीर के 13वें ओवर में 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद उमर, बासित अकबर, आदिल वानी, ये तीन बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। आसिफ मंजूर और आमिर सोफी की ये दिग्गज जोड़ी बीच मैदान में, लेकिन आसिफ मंजूर कुछ बेहतरीन विस्फोटक अंदाज अपनाए, इरादे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है यहां बल्लेबाजी से। Of course, and 100 comes up in over number 13, thanks to the knock of Asif Manzoor, and that big over from Zaid Nabi, 21 off it, and help Didi Rangers to climb 100 mark in over number 13. And this one makes room, hits straight, there is fielder, and before he can stop the ball, and before he could return the ball, one more run added, he wanted second but sent back sensibly, but fielders are struggling on that portion of long off and long on again, but it's smooth today, it's fantastic today. Talking about field, it's quick today, electric quick, but once more there was little fumble, that wasn't a clean stop, and a change of gloves for Amir Sophia, and a message from pavilion. I think message will be loud and clear, just go after the bowlers. We have all the batters in kitty, we have 7 of them in the dugout, just launch them big now. निश्चित तौर पे ये संदेश जरूर होगा, हालांकि अब जाकर के दोनों छोर से प्रहार करने होंगे। आमिर सोफी के लिए ये संदेश होगा कि यहाँ रनगति की जो उछलता है उसको बनाए रखना होगा, वो जो उछाल देनी है रनगति में उसको बनाए रखना होगा। फिलहाल बॉम्बे एक्सप्रेस अगले गेंद देकर के आमिर सोफी के लिए 102 संभव थे 13वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार आमिर सोफी के लिए ये गेंद वहाँ पर रखे, विकेट कीपर ने बेहतरीन गैदर किया गेंद को, लेकिन कोई नुकसान नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं, 100
तीन सबलते 101 शबा की जगह 101 तेरहवें ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर डोडू रेंजर्स कश्मीर का स्कोर। बॉम्बे स्टिल बॉलिंग वेल हियर, ज़ैद नबी टेकन ऑन एंड नज़ीर विकेट वाज वाटर्ड यस्टरडे एंड हैवी रोल ओवर डन एंड टुडे देयर इज परफेक्ट बाउंस एंड पेसर्स डूइंग वंडर्स हियर। इवन ज़ैद नबी बॉल टू क्वालिटी ओवर्स बट दैट वाज आसिफ एंड हिज क्लास इट यील्डेड 20 ओह दिस कुड बी बट वेल शॉट ऑफ मैन देयर and one more run added in a same fashion in a like fashion we saw wicket of Adil Wani he was caught in mid off but this time ball falling well short of field there one more run added rabage ne sath diya ek run to zarur mila pahada rangers ke do run le pass ko 102 13th over par ka chalta hua kashmir cup season 2 2024 varsh aur aise mein nova muqabla pehli pari dadu rangers kashmir aur sky star badgam ke beech ye muqabla chalta dusra muqabla aaj ke din ka wo bhi live prasar aap tak zarur pahunchega 2:30 baje aur aise mein wo muqabla hoga jk police versus royal goodwill cricket club to wo aap तक पहुंचेगा। नो बॉल का इशारा वहां पर अंपायर का माजिद हुरा ने वहां नो बॉल का निर्देश दिया। एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ 104 तक रन संख्या पहुंची। बॉम्बे एक्सप्रेस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन यहां रन गति पे अंकुश लगाने का प्रयास करना होगा। आसिफ मंजूर और आमिर सोफी अब जाकर के हर गेंद पर प्रहार करने का प्रयास आवश्यकता भी है क्योंकि आपके पास विकेट सुरक्षित है तो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं समझता हूँ ये वो अंतर है क्योंकि 7 से 14 की हमने बात की वहां विकेट नहीं खोया बेहतर तरीके से बल्लेबाजी हुई और आसिफ मंजूर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। फ्री हिट का इशारा और अब जा करके देखना होगा फ्री हिट का लाभ क्या आमिर सोफी ले पाएंगे अथवा नहीं। अगली गेंद आमिर सोफी के लिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक इन सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए जस्ट मौका रहा चौका आमिर सोफी के बल्ले से निकलता हुआ। ट्रीटेड वेल बीट्स एक्स्ट्रा कवर एंड फयाज सेबर कांट स्टॉप द बॉल एंड इट गोस पास्ट एंड दैट्स फॉर ब्रॉट टू बाय जस्ट बकोरा हिट हार्ड गुड शॉट टेकिंग फुल टोल ऑफ दैट फ्रीट एंड डिस्पैच्ड इट four runs and four of them now these two are trying to put on a show at 13 done it's 108 for 3 Nazir 7 overs 42 balls 7 in kitty these two lads both got their eyes in we can expect some big shots and fiveworks dekhiye isme koi dohrai nahi kyunki aapke paas 7 over nirdharak 42 gende bache hain 108 teen wicket ke nuksan par aur plus point Dadu Rangers Kashmir ke liye ye bhi hai ki aapke paas 7 wicket wahan kitty mein hain 7 wicket surakshit hain to nishchit taur pe ab dono ballebaz yahan bade score khelne ka prayas zarur karenge kyunki run gati mein uchal dena hoga bade lakshya tak pahunchna hoga aur kuch behtareen manoranjan yahan se darshakon ka avashya hone wala hai well over number 14 is about to start who's going to bowl it looks like Umar Shah is going to bowl, is he? The conversation is going on. Is it going to be Umar or someone else to bowl? Faizan Roof looks like he's warming up a bit. And skipper Katru is there. And yeah, of course, it's going to be Faizan Roof to bowl. And Faizan Roof bowled 2 overs, none for 15. He bowled tight 2 overs, is it? Look at his figures, 2 overs, none for 15. I think he bowled well. बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की उन्होंने ज्यादा रन खर्चे नहीं है आक्रमण है उन्होंने बेहतर तरीके से क्या सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी की और ऐसे में फैजान को सबब तो यहाँ लेकर के आए हैं अब दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए ये उनका तीसरा ओवर होगा और कुमलाकर पारे का 14th ओवर प्रारंभ होने जा रहा है 108 तीन विकेट के नुकसान पर और आसिफ मंजूर है सामने नेवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के तैयार आसिफ मंजूर के लिए स्टंप्स को कवर किया इस बार अच्छी गेंद थी और गेंद का संबंध दिया कल के मिडिल स्टंप पे आ रही थी गेंद उतनी ज्यादा गति गेंद में थी नहीं उछाल ज्यादा थी नहीं और ऐसे में वापस खेला बॉलर ने गेंद को आकर के फील्ड कर लिया डॉट के साथ शुरुआत 13.1 108 तीन विकेट के नुकसान पे प्रेशर बिगिंस विद अ सिंगल मंजूर 31 ऑफ 14 एंड आमिर सोफी 15 ऑफ 13 बॉल्स नाउ प्रोजेक्टेड स्कोर चेंजेड इट्स कैलकुलेशन इट इज शोइंग 164 इज पॉसिबल This one connects, runs four of them, fetches it from wide of the off. Silver didn't work, and doesn't work because this lad has got immense experience. He knows where to keep it, and he packs it and places it in just down towards backward of square on onside. Runs four of them, but this lad, how clever he is! देखिए खूबसूरत तरीके से उन्होंने ऑप्शन से बाहर निकलती हुई गेंद को लपेटकर ऑन साइड में वो खाली इलाका चुना और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर चॉकिंग ऑफ हिज क्लेवरनेस एंड क्लेवरली डन लुक एट दैट व्हेन ही फेचेस इट फ्रॉम वाइड ऑफ द ऑफ नॉट इजी टू पिक दैट काइंड ऑफ अ बॉल व्हिच इज अ बैक ऑफ द हैंड स्लर्वर और ही रोल्ड फिंगर्स ओवर द बॉल वाजंट इजी बट ही डज वेल ही रेड वेल द नेक्स्ट वन इन द एयर एंड हिज गॉन हियर अगेन दैट पेस ऑफ बॉल बट दिस टाइम इज ट्रैप्ड स्टे
perfectly set him up to be precise, we can say that. But this time it goes straight into the hands. Wicket falls, big lad, big fish caught in the net. और देखिए क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है बहुत बढ़िया खेल रहे थे लेकिन एकाग्रता भंग हुई वहां पर. स्टोक्स सीधे वहां खिलाड़ी के पास, उन्होंने आसान सा कैच वहां जो है लपक लिया और आसिफ मंजूर जो बहुत बढ़िया खेल रहे थे अंततः उनकी पारी समाप्त हुई. चौथा विकेट यहाँ डडू रेंजर्स की टीम ने गंवा दिया है. फोर्थ वन इज डाउन हियर एंड सम रेस्पाइट फॉर स्काई स्टार गेटिंग रिड ऑफ डेंजर मैन. And Asif Manzoor was trying to take that game away. He was trying to shift to that momentum. And he shifted to larger extent. But he's caught at, thank you sir, the owner of Sky Star Badgam is here. Nazir Saab, and Nazir talking of that, we have Nazir scare around here. But he was caught at point and perfectly set him up. He persisted with that slower delivery again and again. First one he picked up but the next one gone straight into the hands. खूबसूरत गेंदबाज, यहां गेंदबाज की भी प्रशंसा करने होगी. लगातार ऑफ्सब से बाहर रहा, वहां बल्लेबाज को ललचाया, स्ट्रोक के लिए मजबूर किया और सीधे पॉइंट क्षेत्र के खिलाड़ी के पास गेंद थपाती. आसिफ मंजूर ने विकेट फेल किया. आमिर सोफी नाबाद है और अब जाकर के नए बल्लेबाज बीच मैदान में तहसीनदार, एक और बेहतरीन अनुभवी युवा क्रिकेटर सर. निश्चित तौर पर उन्होंने हालांकि स्टेट को रिप्रेजेंट जरूर किया है बेहतर तरीके से. अब उनको यहां से परफॉर्म करना होगा, बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि रन संख्या की अगर हम बात करें 112 चार विकेट के नुकसान पे यह है रन संख्या और पारी का यह 14वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ. वेल इट्स 112 फॉर द लॉस ऑफ 4 एंड वी आर इन ओवर नंबर 14 हाफवे मार्क हाफवे स्टेज. And it is over number 14. Faizan Roof among the wickets. 1 for 19. He's in his third over here. And talking of pace battery. And talking of their potential. They bowl to their strength. Hitting the deck hard. Using back of the end slurver. Rolling fingers over the ball. And sometimes searching for that outside edge. And pacers hitting the deck hard, use it a slower bouncer to perfection in between. Sometimes hitting the deck hard. And this lad, he's master at variation and variating. He's got variety. He's got a golden arm. It's 112 for 4. We are in over number 14. Faizan Roof to continue. New man walks in is Tehsindar. He has played under 23. He has captained under 23. And he's on strike here. And let us see how he's going to bat. Yesterday I saw him batting in Bandipura. He batted like a champion. But today it's a different day. It's a new team on offer. It's a new opponent side in front of Tehsin. A bigger team this time round. Flooded with stars. And he's got a teammate playing on the other side. Faizan Roof to bowl. And on strike will be Tehsin. He knows his strength. And he knows where he's weak. Are we going to see that kind of a tactic here? Is he going to bowl to his strength? और इजी गोना अटैक हिज वीकनेस और द वीक पॉइंट. देखिए यहाँ एक दूसरे के विपरीत खेलना, मैं समझता हूँ वो जो क्षमता आपकी है, वो जो एक दूसरे की क्षमता को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जहाँ जब आप गेंदबाजी करेंगे और आपके जो टीम के सदस्य हैं वो विपरीत में खेलेंगे तो निश्चित तौर पर एक अलग तरीके का दबाव रहता है, ना सिर्फ गेंदबाज पे बल्कि बल्लेबाज पे. तो यहाँ अब जा करके एक कड़ा संघर्ष यूँ कहना चाहिए कि गेंद और बल्ले के बीच एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा. शॉर्ट पॉज इन द गेम. Well, what's going on? We don't know. And someone is injured. And we'll have to wait and watch. A short pause in the game. Nazir coming back to this game. We have another one coming up this afternoon. It's going to be Nag in the town. Royal Goodwill taking on Police Warriors. And you remember that nightmarish day and their batting display. पुलिस वॉरियर्स. अरे निश्चित तौर पर जहाँ एक तरफ नाग दिखाई देंगे वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लाला और समीर पोलार्ड की जोड़ी हमें नजर आएगी. तो बड़ा संघर्ष पूर्ण बहुत दूसरा मुकाबला भी, आप कहीं जाइएगा नहीं. ठीक 2:30 बजे हम आपके साथ दूसरे मुकाबले में जुड़ेंगे. फिलहाल फनी कमेंट पास्ड ऑन बाय मीर तौसीफ. स्टक ए वो इंग्लिश मैन जस्ट स्टॉप टॉकिंग. वेलकम बैक. इट्स 112 फॉर द लॉस ऑफ 4. चार विकेट और 14 ओवर का सबब तक खेल वर्तमान स्थिति में चल रहा है और 100
12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तहसीन डार राइवल ने पास और 900 की छोड़ पे है आमिर सोफी। गेंदबाजी का दायित्व इस समय फैजान के पास जो कि 14वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। तहसीन डार अब सामना करने के लिए तैयार। बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला पहली पारी चलती हुई कश्मीर कप सीजन 2024 के आज के दिन के पहले मुकाबले की। ऑफ सबसे बाहर वहां पर बल्ला अड़ाने का प्रयास किया था, हालांकि भाग्यशाली रहे अगर वहां गेंद और बल्ले के बीच संपर्क होता तो निश्चित तौर पर किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए वहां आसिफ अफजान खड़े थे। कोई क्षति नहीं, रन गति विवृति ने 112 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर। और इस ओवर के तुरंत बाद 6 ओवर का खेल बचेगा और देखना होगा डड्डू रेंजर्स की टीम कहां पर इस पारी को समाप्त करेगी। अगली गेंद देकर के फैजान चले और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ की ओर खेला। वहां खिलाड़ी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर तैनात था, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक रन पलट कर दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, मना किया। एक रन और खाते में और एक रन के साथ 113 रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पे। 113 इन ओवर नंबर 14, last ball is coming up this over, .4 wicket .single, and it's going to be Faizan Roof one last time in his third ever. Wide slip in place, almost at third slip position. Here is Faizan, just below the rib cage area, above his hips, and worked away nicely, keeps it down towards wide up, to be precise, wide up, fine leg down towards backward of square area. One more run added, it's 114 after 14 overs. Interesting figures, 114 for the loss of 4 after 14. बिल्कुल दिलचस्प आंकड़ा यह है, 14 ओवर पूरे 114 चार विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर का खेल बचा है यहाँ डड्डू रेंजर्स के लिए। और देखना होगा इन बचे हुए 6 ओवर्स में अब जाकर के कितने रन बटोरने का प्रयास करेंगे। हालांकि गुलजार गुली अभी जो है वो आने बाकी है और ऐसे में देखना होगा अंतिम ओवर्स में। पिछले मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी, वो 4 छक्के लाजवाब पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन यहाँ 5 छक्के जी हाँ। और यहाँ परिस्थितियाँ कुछ अलग है और ऐसे में देखना होगा क्या यहां से कुछ बेहतरीन विस्फोटक अंदाज अपनाएंगे तहसीन, क्योंकि विकेट आपके पास सुरक्षित 6 हैं। ऐसे में डड्डू रेंजर्स की टीम अब चाहेगी कि अंतिम ओवर्स में कुछ बेहतरीन प्रयास किया जाए। 4 खोए 114, 14 के बाद 6 ओवर का खेल, नए ओवर की शुरुआत। और गेंदबाजी का दायित्व संभवतः जाहिद नबी के पास। पिछला ओवर 15 इज अबाउट स्टार्ट, स्पिन बॉलर इनटू द अटैक अगेन एंड इट्स गुड मूव फ्रॉम कैप्टन, ही इज ब्रॉट बैक इनटू द अटैक, ही वाज टेकन ऑफ because he was taken on to the cleaners, gone for 21, is one big ever, and now the Dudus have something on board. They were struggling, but his ever just brought them back. This time goes across the line, all beaten, and Zaid, hand is on his head, he can't believe that one, but he survived a scare. Amir Sofi, the man, goes on to 16. Of 15 balls, and Zaid Nabi in his fourth over 3.1, no matter, none for 27. He's still in search of a breakthrough here. He's yet to claim a wicket here. Is he gonna pick one here? Tehsin on strike. Here is Zaid to Tehsin. And Tehsin dabs. Good running between the wickets. It is Sajjad Sultan, the man, Sultan of Sti, stops the ball but can't prevent that single. Ek run aur khate mein 116. 4 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर। शाहिद नबी एक विकेट की तलाश में है, हालांकि अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। पिछला ओवर उनका खासा खर्चीला साबित हुआ था, लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंद बाजी आमिर सोफी के लिए। गेंद इस बार फिर हल्के हाथों के साथ उसको प्लेस किया ऑफ साइड में। वहां खिलाड़ी तैनात नासिर कुमार के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व एक रन और खाते में जुड़ा 117। एक एक रन से अब यहाँ पारी दोनों बल्लेबाज निभाते हुए साझेदारी और 117 तक पहुंच चुकी है डड्डू रेंजर्स की टीम। लेकिन प्रशंसा करने होगी गेंदबाजों, हालांकि इक्का दुक्का वाकत को छोड़कर के बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। रन गति पे अंकुश लगा है, इस बार तहसीन ने गेंद को उठाया, हवा में स्ट्रोक, पीछे है खिलाड़ी और ये कैच छपा दिया, विकेट नंबर 5, 5वां विकेट तहसीन डार के रूप में मैदान से बाहर जा रहा है। तहसीन इज गॉन, कॉट एट स्केलेग, शबील अब्ची द मैन अंडरनीथ द बॉल एंड ज़ाइद अमंग द विकेट्स, ही हैज हिज मैन, दैट टू इन फॉर्म ऑफ तहसीन, एंड तहसीन इज ऑन हिज वे, इज गोइंग बैक टू पवेलियन, एंड हु इज गोना वॉक इन नेक्स्ट, it's going to be Faisal Dar. If you remember last year, late heroics, and this lad lit up the center. I wasn't here, but I was part of JK Sports time. I was watching back home, but this lad gone berserk. And if you remember that day, and that was a superb day, but I missed that day badly.
निश्चित तौर पे वो खूबसूरत ऐतिहासिक क्षण थे, वो काफी महत्वपूर्ण पल थे फैसलदार के लिए। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, इसी मैदान पर उन्होंने आवश्यकता भी रनों की, क्योंकि विकेट का अब ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि अंतिम कुछ ओवर आने बाकी है। 15वां ओवर वर्तमान स्थिति में, 5 विकेट आपने खोए, और रन गति की बात करें तो 117-118 के आसपास है, 170 रन बने हैं, 5 विकेट खोए हैं। डोडू रेंजर्स की टीम अंतिम 5 ओवर में कम से कम 50 रन चाहेगी, तब जाकर के वो 160-170 तक पहुंच सकते हैं। ओवर नंबर 15 इन प्रोग्रेस, वी आर कॉन रॉजर हियर, द नेचुरल एंटरटेनर इज विद अस टुडे। Well, it's 117 for the loss of 5. We're in over number 15. We'd like to thank our proud sponsors. I start with Anthem Sports India, Fashion Feast, the shining star pumper, amateur multi-brand, Bero Fimani, Delgate Sports, Kalab Hamdan, Hurricanes, the importers and the exporters, H&D, a complete kidswear, near Natipura, Srinagar, and talking of that H&D and Pro Player cap, which is something special. Even I praised it yesterday. I thank her, Pro Player yesterday in a video message, that we are indebted to allow and sport. देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं, हालांकि सम्मान तो बनता है ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी। जाहिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं फैसलदार के लिए, हालांकि वहाँ दुविधा की स्थिति कहना चाहिए यहाँ बल्लेबाज की, हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पहले स्ट्रोक खेलने गए उसके बाद कुछ इरादा बदला और गेंद वही पास पे लौट के बगैर किसी रन के 117 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर। जाहिद नबी 3 रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और इस बार फिर पैर पे टकराई, हालांकि अपील की जा रही है लेकिन स्वीकारा नहीं माजिद, हो रहा है ओवर वहां पर समाप्त हुआ, 117 5 विकेट के नुकसान पे। Well, we're done with over number 15 here. 15 gone. Faisaldar yet to open his account. Use the 2 balls. And he's got Amir Sofi in the middle. He's under 18 of 16 balls. Amir has got tons of experience under his belt. This lad has played for JKCA. And today, he's part of Dedu Rangers over the past couple of seasons. He's been part of Dedu Rangers. He's playing for Dedu Rangers. But Dedu Rangers in desperate need of a partnership. They need to up the tempo. They need some big shots and some eventful overs. It looks like that skipper is going to bowl. It's going to be Pumbe to bowl. This is over number 16, Pumbe to bowl. Ne over ki shurwat, pare ka kol mila kar ye 16 over. Aur are Pumbe. पोम्बे एक्सप्रेस के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी एक और ओवर लेकर के तैयार स्काई स्टार बड़गाम की ओर से। सामने हो गया आमिर सोफी 117 कुल रन संख्या 15 के बाद, और अभी भी 5 ओवर का आना बाकी। फिलहाल 16 ओवर की शुरुआत होने जा रही है, दूर वाले छोर से पहली गेंद लेकर के अपने बॉलिंग बॉक्स से चले उनकी ये गेंद, और भारत देख दो चाल, खूबसूरत गेंद वहां पर, गेंद की लाइन से अपने आप को बमुश्किल अलग किया वहां आमिर सोफी ने, अतरक दो चाल लगभग कंधे की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 15.117। हालांकि आमिर सोफी ने वहां इशारा जरूर किया स्क्वायर लेग पे खड़े माजिद हुरा की ओर, एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद थी, तो निश्चित तौर पर हालांकि कोई वहां पर निर्णय नहीं आया, और एक और गेंद यहां पे रन जिस पे नहीं आया, दूसरी गेंद लेकर के तैयार पोम्बे एक्सप्रेस 15.117 5 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत मैदान टीआरसी का, और ऐसे में ये पहला मुकाबला आज के दिन का, और कुल मिलाकर 9वां मुकाबला कश्मीर कप सीजन 2 का। अगली गेंद पोम्बे की, और इस बार पुल क्या खूबसूरत लाजवाब बेहतरीन, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। आमिर सोफी के बल्ले से निकलने वाला ये जस्ट मोकारा छक्का, और इस छक्के के साथ रन संख्या 123 1 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में। Good shot, much needed one, and Dedu's needed that badly, and it's their premium man, premium boy, Sophie, and hits it away, packs it to perfection, earning him a 6, half a dozen. Well, Pumbe is operating, he's in his fourth over, he continues to bowl, he's bowling from that far end, another 6, and we saw 3 of the batter, Asim Manzoor. Now this lad joins the party. And club offers 6 hitters today, and he says, why can't I get entry into that club? And he says, yeah, I can do that. He takes him on 1, 2, 3, 4, 5. 123 5 विकेट के नुकसान पर, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध हैं इस मुकाबले का, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पुम्बे एक्सप्रेस अगली गेंद लेकर के तैयार, आमिर सोफी के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार खूबसूरत स्टॉक, हालांकि मिड ऑफ की ओर पीछे खिलाड़ी, हालांकि जब तक वी गेंद तक पहुंचते फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बटोर लिए, 2 रन और खाते में जुड़े, 2 रनों के साथ रन संख्या 125 16 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर। डोडू रेंजर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए स्काई स्टार बड़गाम के विरुद्ध। Over number 16, Sophie 26 of 19,
Faisal Dar is yet to open his account. And here is Pumbe again. 2 for 35. 3 balls remaining in his quota here. This one, what a connection! Middled! And it's one bounce, 4 into the mid-wicket fence, asking for trouble. And does very well, extremely well. Timer to perfection, middled, and hits it away and beats the man. No chance for man in the deep. That's 4. खूबसूरत स्ट्रोक था ये मिडिल ऑफ द पैड से आमिर सोफी के बल्ले से, और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता अंतिम ओवर्स में 16वें ओवर में. रन संख्या अब जाकर के 129 तक पहुंच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे. आमिर सोफी अगले गेंद का सामना करने के लिए तैयार. हालांकि वहां आदिल काचरू जरूर पहुंचे गेंदबाज बॉम्बे के पास, कुछ बातचीत की और अब जाकर के एक बार फिर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बिल्कुल करीब खड़े वहां क्षेत्र रक्षण करने के लिए. और लॉन्ग ऑन की और बात करें वहां पर भी एक खिलाड़ी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे. अगली गेंद बॉम्बे की आमिर सोफी के लिए, इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल हवा में स्ट्रोक, लेकिन एक टिप के बाद जब तक वहां खिलाड़ी आते थे पॉइंट से एक रन तो जरूर मिलेगा. एक रन के साथ ही रन संख्या बढ़ती हुई 130 पे जा पहुंची 16वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे. सर्वर नंबर 16 25 बॉल्स रिमेनिंग एंड पुंबे गॉन फॉर 40 ऑल ऑफ अ सडन. बॉल द टू टाइट इट वाज नाइस टेकन ऑन, ही इज टेकन ऑन. लास्ट बॉल ऑफ ओवर नंबर 4 as far as Pumbe is concerned, and he is gone for 40. It's Faisal Dar yet to open his account. We lost the ball and search is going on. Dennis Crest there and Majidurad does well, calls on for the new one, and the fresh ball, the new ball is coming onto the field. Thank you fourth umpire. It's 130 for the loss of 5. In over number 16, last ball, 25 balls Nazir, 130 on the board. With 5 wickets in Kitty, I believe 160-170 is still what they want to achieve. देखिए दो विस्फोटक, दो विस्फोटक बल्लेबाज जिस समय बीच मैदान में आमिर सोफी और फैसल डार, उसके बाद गुलजार गुली खाना बाकी, और अंतिम ओवर्स में वो भी कुछ बड़े प्रहार और बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं. तो आपके पास एक अवसर है 170 तक पहुंचने का. फिलहाल अगली गेंद पोबे लेकर के चले फैसल डार के लिए ये गेंद. उस बार फैसल डार के लिए मिडिल स्टंप पे आती है गेंद को खेला जरूर मिड ऑन की ओर, हालांकि बोर्ड लाइन पे खिलाड़ी तैनात. जब तक वो आकर के गेंद को फील्ड करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बटोरने का, 2 रन और 132 समते रन संख्या पहुंच चुकी है. यहाँ ओवर समाप्त हुआ 16 पूरे 132 पांच विकेट के नुकसान पे. 4 ओवर्स रिमेनिंग. क्वेश्चन इज हुज गोना बॉल द रिमेनिंग ओवर्स हियर फॉर स्काई स्टार टुडे. शाहिद शबीर इज इन प्लेइंग फॉर स्काई स्टार. फयाज सर्वर इज द न्यूली इंड्यूस्ड वन एंड ही कम्स इन. शाहिद शबीर मिसेस आउट. पुंबे इज इन. यासिर कुलगाम इज देयर एंड फैजान रूफ टू मेनी फेसेस टुडे. गॉन विद Faizan Roof 1, Kulgami 2, Pumbe 3, and Uma Shah 4 paces, gone with 4 premium paces up front, adding to their strength, too many paces. And Naziru believe that all the 4 paces done well, but one it is Pumbe who, he also picked up 2 wickets, but he gone for 42, but others done extremely well to me. देखिए मैं सहमत हूँ. 4 गेंदबाजों के साथ जब टीम उतरती है, एक का स्पिन आपका पास जो जेन्युइन स्पिनर है, उन्होंने भी हालांकि अच्छी गेंदबाजी की. अगर जाहिद दबी की बात करें बात्रोस एक ओवर को छोड़कर जिसपे आसिफ मंजूर ने प्रहार किया था वो 21 रन बटोरे थे, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी. और डडू रेंजर्स जिसके पास की धाकड़ता है बल्लेबाजी में, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आज जिस प्रकार के लिए वे जाने जाते हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली. क्योंकि 132 इस समय रन संख्या, 16 ओवर पूरे हो चुके हैं, 5 विकेट चटका लिए हैं. तो मैं समझता हूं 4 गेंदबाजों का जो इस्तेमाल किया गया है, 30 गेंदबाज जो आज आप लेकर के उतरे मैदान में, अब तक अच्छी रणनीति और बेहतरीन कार्य किया है उन गेंदबाजों ने. यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड गॉन विद द पेसेस एंड ऑल 4 पेसेस, फ्रंट लाइन पेसेस. एंड टॉकिंग ऑफ उमर शाह एंड अदर 3 पेसेस, दे लव टू स्टार्ट द ऑपरेशन विद अ न्यू बॉल from bowl number 1 from the very bird go, but today captain needed to adjust to them because one who loves to bowl with a new ball, and all 4 they are known to open the attack with the ball. Faizan Roof for United Imports, Kulgami for the Sam side, Umar Shah playing for other teams too. Well then Pumbe is also a lad who has played for too many clubs this year. We saw him bowling in different parts of the valley.
So loved to open the attack. But today, captain need to adjust and rotate them. Captain rotated very well and he mixed it up. And it's Yasir Kulgami to bowl. 132 for the loss of arm. देखिए अभी तक यासर कुलगामी की अगर हम बात करें उस प्रकार का प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं जिस प्रकार की वो गेंदबाज हैं और उनके विरुद्ध देखना होगा इन अंतिम ओवर्स में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। हालांकि आमिर सोफी सामने होंगे, फैसल डार नौ सके छोड़ पे 16 पूरे 132 पांच विकेट के नुकसान पे। रेंजर्स कश्मीर पहली पारी के आधार पर इस समय बल्लेबाजी करते इसका स्टार बड़गाम के 17 ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के। और इस बार आमिर सोफी के लिए गेंद उसको ऑन साइड में प्लेस किया, एक रन तो तेजी के साथ दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, एक रन और खाते में और एक रन के साथ रन संख्या अब 133 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरा मुकाबला आज के दिन का, जहां एक तरफ जेके पुलिस वॉरियर्स और दूसरी तरफ भिड़ंत हो गई रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की। 17th ओवर इन प्रोग्रेस, फैसल डार 2 एंड हिज पार्टनर आमिर सोफी इज प्लेइंग ब्लाइंड हियर। 32 ऑफ 22, व्हाट एन इनिंग्स, वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, ट्राइंग टू keep Dudus in with a chance in this important match. It's a league-based tournament, but you need to win each and every game. This time, Sewell on his axes, off the pads, goes down towards Skellig area. I think there was bat involved, but there is no signal from umpire. It was bat, then pad. One more run added, 133 for 5. 134 समाप्त रन संख्या पहुंच चुकी है पांच विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 17वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ आमिर सोफी और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज फैसल डार, हालांकि सजाद सुल्तान की अगर हम बात करें वो आज नजर रहेंगे इस टीम में लगातार। उन्होंने पिछले मुकाबले में भी कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किया जब जब अवसर मिला। नासिर कुमार, आदिल काचरू वहां पर होंगे, आपके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है तो आसिफ रमजान वहां टीम में। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार यासिर कुलगामी। चले इस बार ऑप्शन से बाहर खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ की ओर गेंद चली गई, वहां खिलाड़ी था नाथ, एक रन और मिलेगा। 135 पर रन संख्या पहुंच गई 17वें ओवर में, 135 तक पहुंचा दिया लक्ष्य को। और क्या वो 160 170 तक पहुंच पाएंगे, हालांकि अवसर है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास करना होगा फैसल डार और आमिर सोफी को। 3 ओवर्स एंड 3 बॉल्स आर गोना कम, 21 बॉल्स रिमेनिंग, ओवर नंबर 17 इन प्रोग्रेस। फैसल 2 ऑफ 4 and Sophie 33 of 23. There is a wide slip in place. This time leading edge, lob is off and fielded as well. Fayaz does well, Fayaz server to stop the ball and he drags it back into the play. Nazir, it was on its way. It was running towards that long stop hands, but he does well to stop the ball but can't prevent that brace. देखिए वहाँ शीतर्षण कमाल का रहा, गेंद को वहाँ रोका जरूर धकेला, दूसरे खिलाड़ी ने उसको उठा करके वापस भेजा, लेकिन उससे पूरा दो रन जरूर बने। You think Gully would have been effective in place of Faisal Dar? He's struggling, he looks scratchy from ball one. और पहले से हम जरूर जो है मानसिकता कह रही थी कि गुलजार गुली शायद इस स्थान पर बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। फिलहाल अगली गेंद और इस बार फिर बाहर एक किनारा, लेकिन इस बार रन मिलेंगे। एक छिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई चार रनों के लिए, जस्ट मौका रहा चौका मिलता हुआ। This will hurt bowler. As a bowler, you won't like this to happen, but that leading edge and it flies down to where the third man. One bounce, four. But batter need runs, his team need runs here. It hardly matters. It doesn't matter how they come. They need runs over here. What's going to come other side? डेथ ओवर्स में आपको रनों की आवश्यकता रहती है, कुछ तेज तरार यहाँ रन गति में उछाल देना होता है और वो अब दोनों बल्लेबाज बखूबी निभाते हुए अगले गेंद फैसल डार के लिए। आमिर सोफी हैं सामने नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे और ऐसे में कुलगामी की गेंद इस बार फिर अतिरिक्त उछाल के साथ ऑप्शन से बाहर, बड़ा प्रहार किया जरूर था लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली। कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास असफल हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तारे में। आमिर सोफी पहुंचे फैसल डार के पास कुछ बातचीत करने के लिए। ओवर समाप्त 17 पूरे और 17 ओवर की समाप्ति के बाद 141 पांच विकेट के नुकसान पे। 141 आफ्टर 17 ओवर्स एंड इट्स गोइंग टू बी ओवर नंबर 18 इन प्रोग्रेस। इट्स 141 फॉर द लॉस ऑफ फाइव। जेके स्पोर्ट्स टाइम इन कोलैबोरेशन विद एंथम स्पोर्ट्स इंडिया फैशन फीस द शाइनिंग स्टार पापोर एमएचएम मल्टी ब्रांड बाय रफीवानी। वी गॉट डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब हमदान हुरिकेन्स द इंपोर्टर्स एंड द एक्सपोर्टर्स एंड एचएनडी कंप्लीट किट्स वेयर and that pro player cap even we were gifted
एंड वी लाइक टू थैंक प्रो प्लेयर फॉर गिफ्टिंग अस एंड इट्स 141 141 18 बॉल्स 3 ओवर्स नजीर 5 विकेट्स इन किटी आमिर सोफी इन द मिडल गॉट हिज आईज इन नाउ फैसल डार मूव स्ट्रेट अप 7 बॉल्स 3 ओवर का खेल 17 पूरे 141 पांच विकेट के नुकसान पर आमिर सोफी और फैसल डार की जोड़ी समय बीच मैदान में ये दो बल्लेबाज बीच मैदान में और अंतिम तीन ओवर यानी कि निर्धारित 18 गेंदें बची हैं पहली पारी के आधार पर 20 ओवर की ये पारी और T20 फॉर्मेट में ये जो है टूर्नामेंट खेला जा रहा है कश्मीर कप सीजन 2024 नौवा मुकाबला और अंतिम तीन ओवर का खेल 141 पांच विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स की टीम बाजामंत्र तौर पर पहले बल्लेबाज स्वीकृत हुई स्काई स्टार बड़गाम की अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते तेज धूप अच्छा तापमान और ऐसे में नेवर की शुरुआत पहली गेंद ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद अच्छी गेंद थी बड़ा प्रहार एक बार फिर किया था बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर आमिर सोफी का असफल हुआ गेंद विकेट कीपर आसिफ रमजान के दस्ते में शुरुआत डॉट के साथ 17.1 141 पांच विकेट के नुकसान पे बेसिकली आमिर नोज नाउ ही नीड टू अप द टेंपो दिस इज द ओनली थिंग दिस इज द नेचुरल रेमेडी यू हैव टू डू दिस बिकॉज़ दिस एयर इज आल्सो इन्फेक्टिंग इट इज इन्फेक्शियस एट टाइम्स Because, oh, that's in the air. Should be wicket number 6. And Adil Khatri completes catch. Set battery is gone. Amir Sofi is on his way. And Amir is gone. Big fish. Huge wicket this. And he's out on 33 of 24 balls. And who's among the wickets? Umar gets his first. उमर शाह को पहले विकेट 33 बनाए आउट होने से पूर्व एक अच्छी पारी और आमिर सोफी छठे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं और अब जा करके गुलजार कोहली वो नंबर 8 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं 6 विकेट गवाए 141 और इन परिस्थितियों में गुलजार कोहली अंतिम जो ये 16-17 गेंदें बची हैं देखना होगा इन 16-17 गेंदों से वो कितने रन बटोरेंगे हालांकि उनके पास क्षमता है वो अंतिम ओवर्स में कुछ बड़े प्रहार करके निश्चित तौर पर 160-170 तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे डडू रेंजर्स की टीम को And it's 141. Set battery is on his way. Agree with your statement, Mir. Yeah, of course, he picked up that set batter. It was Ahmed Sofi. Oh, that brings Gully to bat. And last game, 5 sixes in an over. Can he replicate? Is he going to repeat today? Well, every day is not a Sunday. But to be precise, dear commentators, it's Monday. It isn't talking, we were talking about Sunday. It isn't Sunday or the Sunday. It's Monday here. Yeah? And this lad can make it fun day again here. Is he gonna do that? देखिए अंतिम ओवर्स में अब उनकी टीम भी चाहेगी गुलजार गुली भी चाहेंगे कुछ कड़े प्रहार कुछ विस्फोट किया जाए गेंदबाजों पर और 30-40 रन बटोर लिया जाए अंतिम इन 16-17 गेंदों पर फिलहाल सामना करने के लिए तैयार ये गेंद और इस बार पहले गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर इरादे स्पष्ट जस मुखारा छक्का गुली के नाम एंड गुली अराइव इज फर्स्ट बॉल एंड इट्स गोना ऑल द वे उमाशा नॉट एन इजी कस्टमर But this is Gulzar Gulli for you. And he is here to express himself. First ball. And Gulli says, I'm here. I'm going to carry on where I left in the last game. And first ball belted just because of six. It's 147. Can he replicate? Are we in for later hikes? Oh, once again, Nazir कांच टूटा है किसी का दिल टूटा है on that portion. अरे निश्चित तौर पे क्या बढ़िया स्ट्रोक हो गया है. जैसा कि आपने जिक्र किया पिछली पारी जहां समाप्त उनकी हुई थी जहां छोड़ी थी वहां से प्रारंभ की और पहली गेंद पर छक्का मिड विकेट के ऊपर क्या बढ़िया स्ट्रोक था. You mean he carries very left in the last game? अजी बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि जहां से उन्होंने वो पारी समाप्त की थी वहां से प्रारंभ किया और पहली गेंद पर उस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने स्ट्रोक खेला और ऐसा लगा कि ड्रेसिंग रूम से ही वो कुछ समय पहले ही सेट है मन बना लिया है मानसिकता इस समय बनी हुई और क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला मिडिल ऑफ द बैट से छक्का 147 पांच विकेट के नुकसान पर अगली गेंद ओवर के सामने है गुलजार गुली ये गेंद इस बार अच्छी गेंद आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई हालांकि वो मुश्किल उसको रोका जरूर रन तो पूरा कर लिया एक रन और खाते में जुड़ा डडू रेंजर्स कश्मीर के 18वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ 148 पांच विकेट टॉकिंग ऑफ दैट दिस लैड गॉन फॉर 6 बट लुक एट द कमबैक This is important as a bowler, from bowler's perspective. This is important. Any bowler can be taken on. You can hit each and every bowler for six. But this is what you require up to that.
You are belted for a six, but look at the comeback. Yorks him, perfect yorker, and somehow he digs it out. निश्चित तौर पे यहाँ इन अंतिम ओवर्स में इस प्रकार की गेंदबाजी यॉर्कर समय अवश्य देखने को मिलेंगे कि अंतिम ओवर्स में आपको इस प्रकार की आवश्यकता तभी जाकर के आप कुछ दबाव बना सकते हैं बल्लेबाजों पर। फैसल डार के लिए गेंद, इस बार फिर एक और खूबसूरत यॉर्क कराने का प्रदर्शन। हालांकि वापस खेला बॉलर की दिशा में, स्ट्रेट ड्राइव जरूर था लेकिन रन जरूर मिला वहां दोनों बल्लेबाजों को। एक रन और एक रन के साथ 149। Gully say, stay there, I'm here, it's my job. Faisaldar, it isn't your job to cut out. I got a job on my hands to do for my side. The server number 18, and it is a 149. Need some big overs here. Need some big shots to press forward and to push it further down towards 160-170. Full toss back to the bowler. Stops it in the follow-through again. But Gully is able to read him. That's a dot to end the quarter. Four done from Umar Shah. Four overs, 15 dots. One for 27. Economy of 6.75. खूबसूरत। Excellent. और बहुत ही बेहतरीन अनुशासित गेंदबाजी, किफायती कसी हुई नपीतुली गेंदबाजी और पहला पान उनकी गेंदबाजी में 27 खर्चे 4 ओवर में 2 विकेट सबलते उन्हें मिले और 1 विकेट उन्हें मिला। उनका ओवर समाप्त हुआ, कोटा उनका पूरा हुआ 18 पूरे। डडू रेंजर्स 18 के बाद 149 पे 6 और अंतिम दो ओवर का खेल बचा है। क्या 170 लक्ष्य होगा? और गुलजार गुली नॉन स्ट्राइक के छोड़ पे फैसलदार सामने दो विस्फोटक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए। नेवर की शुरुआत होने जा रही है, पारे का 19वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और देखना होगा इन दो ओवर्स में कितने रन बटोरने का प्रयास यहां किया जाएगा। हालांकि फैसलदार सामने रहेंगे 149 शिवगढ़ के रफ्तान पर डडू रेंजर्स की टीम। 19वां ओवर और गेंदबाजी का दायित्व फैजान रूफ के पास, संभवतः ये उनका अंतिम ओवर होगा। इससे पूर्व उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की है और ऐसे में अपने कोटे को पूरा करने जा रहे हैं। पारी का 19वां ओवर पहली गेंद लेकर के फैसलदार के लिए। ये गेंद इस बार धीमी गति की गेंद पड़ लिया, उसको हवा में खेला, पीछे खिलाड़ी पहुंचे जरूर लेकिन लपक नहीं पाए। एक रन पूरा किया, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। थ्रो दिशाहीन विकेट कीपर की ओर, लेकिन 2 रन और 150 पूरे 151.18 के बाद फैजान इज हैप्पी। ही इज इन हिज फोर्थ ओवर 3.1 नो मैड एंड 1 फॉर 23 and almost a wicket, but it was put down in the end. Sajjad covered all the ground and in the end ball popped out of his hands. Can't keep it within the fingers there. He was trying to grab that. Here is the next ball, this time swivel on it sexies. Help was that one on its way. 6 more, much needed blow. And that six brought to you by Jess Bukhara. And it is Faisaldar with that six and shot. लाजवाब और बेहतरीन स्ट्रोक था ये फैसलदार के बल्ले से। जस्ट बुखारा छक्का और इस छक्के के साथ 156 रन संख्या पहुंच चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। ये 19वां ओवर और निश्चित तौर पे अब इस प्रकार के स्ट्रोक की आवश्यकता रहेगी। कुछ कड़े प्रहार, दर्शकों का मनोरंजन, यहाँ आए हुए हमारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं। फिलहाल सामने वाले छोर से अगर गेंदबाजी की बात करें, एक बार फिर फैजान चले सामने उनके, फैसलदार फैसल के लिए आखिरी गेंद 156 ये गेंद। और इस बार फिर हालांकि गति परिवर्तन किया, चकमा दिया वहां बल्लेबाज को, गेंद विकेट के बाहर के दस्ताने में, डॉट के साथ संतुष्ट। ऐसे समय में बेहतरीन गेंदबाजी और यहां रन मिला नहीं और एक रन के साथ ही। और रन संख्या की अगर हम बात करें तो इस समय रन संख्या 157 6 विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदें शेष इस 19वें ओवर की। 9 बॉल्स रिमेनिंग, दिस इज ओवर नंबर 19। Faisal 17 of 14, Gully 7 of 4, Gully on strike. Oh, look at that one. This is the beauty of Faizan Roof. Rolled fingers over the ball, slow bouncer, and in the end hits his helmet. And oh, he needed a concussion test, but he doesn't want to go undergo. He doesn't want to go through that, and he's happy to contend with that single. But he was in all sorts there, in all sorts of trouble to be precise. एक रन जरूर मिला वहाँ। अब गुलजार गुली होंगे फैजान के सामने। फैजान राइट आर्म ओवर द विकेट गुली के लिए और इस बार गुली पहले से स्ट्रोक के लिए कमेंट हो गए थे, हालांकि वहाँ बैक ऊपर चले गए। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, वहाँ गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, लेंथ को थोड़ा ऊपर फेंका और पूरी तरह से चकमा दिया गुलजार कोहली को। रन बनने की संभावना समाप्त हुई 159 6 विकेट के नुकसान पे। स्किपर इज कंसर्नड एंड लुक एट आसिम मंजूर, ही इज कंसर्नड एट द मोमेंट, ही इज कन्वेइंग अ मैसेज अगेन एंड अगेन एंड हियर इज द नेक्स्ट वन।
बैक ऑफ द एंड स्लब गुलजार मैन इन डेंजर Man in danger is gone here. Taken by Sajjad Sultan. Back of the end slubber again is here. Beauty of Ezan Roof. Strength of Ezan Roof. Goes back to his strength and remove the danger man. डेथ ओवर्स में आप इस प्रकार की गेंदबाजी में समझता हूँ प्रशंसा करनी होगी। यहाँ गेंदबाज की लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी बुद्धिमानी का परिचय दिया। विकेट वहां मिला गुलजार गुली को, हालांकि गुलजार गुली का विकेट मिला और आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, हालांकि विस्फोटक अंदाज उन्होंने जरूर अपनाया था, लेकिन आउट होकर सातवें विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। 159 पे सातवां विकेट गंवा दिया है डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने। 4 overs, 2 for 29. Brilliant spell. Excellent figures. Terrific lines. Terrific lengths. Huge rebound for this lad. 2 overs, 2 for 29. Or 4 overs, 2 for 29. Coming back to the last over. Who's going to bowl that final over? Yasir Kulgami looks like. Yes, he's warming up a bit. This is going to be over number 20. Kashmir Cup Season 2, game number 9. Game number 10. Coming your way this afternoon, Royal Goodwill, Police Warriors. Sun is shining brightly over the center. Gentle breeze. This is what we all need. Gentle breeze. निश्चित तौर पर राहत की सांस जरूर होगी, हालांकि अच्छा खासा तापमान यहां पर और अच्छी खासी धूप खिली भी और इस समय पहली पारी समाप्त होने जा रही है। 7 विकेट डडू रेंजर्स ने गवाए हैं। 158-19 पूरे अंतिम ओवर और अंतिम ओवर लेकर के तैयार दूर वाले छोर से यासर कुलगामी। यासर कुलगामी फैसल डार के लिए उनकी ये पहली गेंद होगी अंतिम ओवर की पहली गेंद और इस बार फैसल डार ने उसको खेला जरूर, हालांकि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फेल करता वहां पर थ्रो किया लेकिन दूसरा रन भी पूरा कर लिया। दो रन और खाते में पहली गेंद पर दो रन, रन संख्या 160 19.1 के बैटर। पुटिंग प्रेशर ऑन द फील्ड इज बैक फॉर द सेकंड। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ग्रेट अवेयरनेस ऑफ द गेम। ही नोज दैट वी नीड टू पुश हार्ड हियर, वी नीड रन्स ओवर हियर, सो डज द बैटर डज वेल, पुटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द फील्ड एंड गेटिंग हिम इन प्रेशर देयर, ब्रॉट हिम अंडर प्रेशर And a back for the second. Two runs at it. First ball brace. Five balls remaining. Ball number two. Faisal 19 of 13. Good thing for Dudus. Faisal on strike. Amir Ali can also go big. He's trended on the other end. This time works it away. Call is for two again. Can't get the second one. Amir Ali on strike. And Amir can strike big Nazir. वन रन एक रन और खाते में और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 161 रन संख्या पहुंच चुकी है और अभी भी इस ओवर की अगर हम बात करें करीब करीब चार गेंदों का आना बाकी है। 161 सात विकेट के नुकसान पर आमिर अली और फैसल डार की जोड़ी समा बीच मैदान में डडूरे के लिए और अंतिम चार गेंदों से अब आमिर अली सामने होंगे। यासर कुलगामी अंतिम ओवर फेंक रहे हैं और ऐसे में हल्की हवाएं मैदान में चलती हुई अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई कश्मीर कप सीजन 2024 वर्ष नौवां मुकाबला पहली पारी और अंतिम ओवर चलता हुआ। इस बार आमिर अली को ऑप्शन पर आती गेंद को एक बार फिर खेला, हालांकि मिड ऑन की ओर और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर के लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करता एक रन और 165 रन संख्या पहुंच चुकी है 7 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 20 इन प्रोग्रेस, 3 बॉल्स डाउन इन ओवर नंबर 20। दिस इज द ओनली वे नज़ीर, यू नीड टू ब्लॉक दैट एयर एंड इट्स 162 फॉर 7 एज वी वॉच ओवर नंबर 20। यासर कुलगामी टू बॉल, टू इट्स 3.3 रन फॉर 29। ही इज येट टू पिक अ विकेट हियर। दिस वन पंच्ड, बीट्स मैन एट एक्स्ट्रा कवर। The other one comes from mid off. Oh, does well. Excellent. Adorable and add-on. Puts in a dive full length to stop the ball, drags it back into the play and keeps it down to 2. 164 for 7. 164 सात विकेट के नुकसान पर अभी भी दो गेंदों का समाप्ति आना बाकी है अंतिम ओवर में। 164 रन संख्या पहुंच चुकी है डडू रेंजर्स कश्मीर ने। वो जो 160-170 के आसपास बातचीत हो रही थी निश्चित तौर पे उसके करीब पहुंच चुके हैं, हालांकि 164 रन दो गेंदों का आना बाकी। फैसलदार हो गए सामने और यासर कुलगामी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। पांचवी गेंद लेकर के इस पहली पारी के अंतिम ओवर की सामने फैसलदार 164। अगली गेंद अजबर कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, निचले भाग पे लगे और जब तक एक बार फिर गेंद को फील्ड किया जाता पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दो रन और खाते में 166 सात विकेट के नुकसान पर 19.5 पहली पारी की अंतिम गेंद लेकर के तैयार यासर कुलगामी। लास्ट बॉल इज कमिंग अप,
Kulgami 33 of 3.5. He's yet to climb a wicket here. And it's over number 20. Ball number 6. On strike, batter Faisaldar. 24 of 16, unbeaten. And where is this one going? Faisal, Yasir is having a word with fielder there. Mid off in place. Extra cover is there. A point is in place. Long on is on fence. And he asks him, come bit close. There is mid wicket stationed on the boundary line. Here is that last ball. Creates room, hits it straight. And is coming back for the second. Good running between the wickets. Two runs added. And with that brace, Didu's finish on 168. 169 will be the target for Sky Star Badgam. Nasir Kumar and Adil Kachru will be in action in inning number 2. We'll be back shortly with the chase. Okay, bye.